आगे सबक देखिए भाई, फसल फी तलाक कबल दुखूल व इदा तल्लक रजुल उम्रअतह सलासन कबल दुखूल बिहा वकअन अलैहा लअन अलवाक मसदर महजूफ लअन मअनाहु तलाकन सलासन अला मा बय्यनाह فلم يكن قوله أنت طالق إيقاعا على حدة فيقعن جملة. गुज़श्ता सबक में साहिब हिदाया ने मसला जिक्र फरमाया था कि एक शख्स है, उसने एक बांदी से निकाह कर रखा है। वो शख्स अपनी इस बीवी से कहता है, इदा जा अगदुन फा अंति तालिकुन सिनतैनी, कि जब कल का दिन आ जाए तो तुझे दो तलाकें हैं। और बांदी की दो ही तलाकें होती हैं, तो दो तलाकों से वहां हुर्मतें मुगल्लजा आ जाती है। खावन ने यह कहा, इजाजा अगदुन फअंति तालिकुन सिनतैनी, और इधर आका ने भी बांदी से कह दिया, इजाजा अगदुन फअंति हुर्रतुन। तो अब शेखैन रहमहुमल्ला फरमाते हैं कि इस सूरत के अंदर अगले दिन जिस वक्त आजादी आएगी उसी वक्त तलाक भी आएगी, और आजादी तो बांदी पर आएगी लिहाजा तलाक भी बांदी पर आएगी, लिहाजा यहां हुर्मत गलीजा साबित हो जाएगी। और अब ये बांदी खावंद के लिए हलाल नहीं, इल्ला ये कि ये किसी और से निकाह करे और फिर वो तलाक दे दे या उसका इंतकाल हो जाए, तो फिर इस बांदी के लिए पहले खावंद से निकाह जायज हो जाएगा। और नीज इसकी इद्दत वो फरमाते हैं कि तीन हैज हैं, जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इस सूरत के अंदर भी खावंद रुजू का मालिक होगा भाई, इसलिए क्योंकि वो फरमाते हैं कि आजादी जो है वो पहले आएगी और तलाक बाद में आएगी। और साहिब हिदाया ने इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह की दलील जिक्र फरमाई। मैंने बतलाया आपको कि एक है इल्लत और एक है मालूल। इल्लत और मालूल का जमाना एक ही होता है, इल्लत है तो मालूल भी है, इल्लत नहीं तो मालूल भी नहीं। तो इल्लत जात के एतबार से तो मालूल पर मुकदम है लेकिन जमाने के एतबार से मुकदम नहीं। तो इल्लत को तकद्दुम जाती तो हासिल है मालूल पर लेकिन तकद्दुम जमानी हासिल नहीं है मालूल पर भाई। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह की दलील जिक्र फरमा रहे थे साहिब हिदाया, वो फरमाते हैं कि इताक ये इल्लत है और इतक ये मालूल है, और इल्लत और मालूल का जमाना एक ही होता है। तो यहां पर जिस वक्त इताक हुआ उसी वक्त इतक भी आया, और नीस उसी वक्त इकाए तलाक भी हुआ यानी ततलीक भी आ गई, खावंद की तरफ से तलाक देना यानी अंति तालिकुन सिनतैनी। तो जब ततलीक जो है वो इत्क के साथ है तो तलाक इसके बाद आएगी भाई। तो पहले गोया इत्क आ गया और उसके बाद तलाक आ गई, तो तलाक आजाद औरत पर आई है लिहाजा अभी भी ये खावंद के लिए हलाल है। लेकिन दीगर शारहीन ने साहिब हिदाया की इस तौजीह को पसंद नहीं किया भाई। ये जो साहिब हिदाया ने इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के कौल की तौजीह की कि इस वजह से तलाक आजादी के बाद आएगी क्योंकि इतक इताक इल्लत है, तो इतक तो इताक के साथ ही आ जाएगा और उसी वक्त ततलीक आ रही है और ततलीक के बाद तलाक आया करती है, तो लिहाजा ततलीक इतक के साथ है और तलाक जो है वो इतक के बाद आएगी। तो शारहीन ने साहिब हिदाया की इस तकरीर और इस तौजीह को पसंद नहीं फरमाया। हासिल कलाम ये कि साहिब हिदाया ने इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के कौल की तौजीह की। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के कौल के मुताबिक यहां भी खावंद को रुजू का हक होगा। मालूम हुआ इत्क पहले आएगा और तलाक बाद में आएगी, तो तलाक आजाद औरत पर आई और आजाद औरत की तलाकें तो तीन हो चुकी हैं, लिहाजा अब दो तलाकों से हुर्मत मुगल्लजा नहीं आएगी बल्कि अभी भी खावंद रुजू कर सकता है। और इसके लिए साहिब हिदाया ने यह तौजीह जिक्र की कि ये इताक ये इल्लत है और इत्क इसका मालूल है, और इल्लत और मालूल का जमाना एक होता है, तो लिहाजा जो जमाना इताक का है वही जमाना इत्क का भी है और वही जमाना ततलीक का भी है, क्योंकि खावंद ने भी यही कहा था, इदा जा अगदुन फअंति तालिकुन सिनतैनी। तो मालूम हुआ इत्क और ततलीक का जमाना एक हो गया, और ततलीक के बाद तलाक आएगी, तो तलाक इत्क के बाद आई भाई।
क्योंकि तदलीक और इत्क का जमाना एक और फिर तदलीक के बाद तलाक आएगी तो तलाक मुअख्खर हो गई इत्क से। लेकिन दीगर शारहीन ने साहिब हिदाया की इस तौजीह को पसंद नहीं फरमाया। ये जो साहिब हिदाया ने इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के कौल की तौजीह की और वजह जिक्र की है उसको दीगर शारहीन ने पसंद नहीं फरमाया कि अगर इताक इल्लत है इत्क की तो इसी तरह ततलीक इल्लत है तलाक की, तो दोनों का जमाना एक ही है भाई। तो जब ततलीक और इत्क का जमाना एक हुआ तो तलाक और इत्क का जमाना भी एक ही होगा भाई। बात समझ में आ गई। तो शारहीन ने इस साहिब हिदायत की इस तौजीह को पसंद नहीं किया और शारहीन फिर जवाब देते हैं कि यहां पर यह तलाक इत्क के बाद इसलिए होगी क्योंकि इत्क जो है वो मंदूब है और तलाक जो है वो शरअन ममनू है, तो लिहाजा जो चीज शरअन मंदूब और पसंदीदा है वो फौरन आ जाएगी और जो चीज शरअन ममनू है वो थोड़ी सी ताखीर से आएगी, तो इसलिए इत्क पहले और तलाक बाद में। जबकि दीगर शारहीन ने और तौजीह की, वो फरमाते हैं कि यहां पर इत्क इसलिए पहले है क्योंकि इत्क आया अंति हुर्रतुन से और तलाक आई अंति तालिकुन सिनतैन से, और अंति हुर्रतुन मुख्तसर है और अंति तालिकुन सिनतैन ये जरा लंबा है, इसमें तीन लफ्ज हैं, अंति हुर्रतुन में दो लफ्ज और अंति तालिकुन सिनतैन में तीन लफ्ज हैं, तो जाहिर सी बात है अंति हुर्रतुन मुख्तसर है तो इसकी वजह से इत्क भी जल्दी आएगा और अंति तालिकुन सिनतैन इसमें जरा तूल है तो इसकी वजह से तलाक भी जरा देर से आएगी, तो इस वजह से इत्क मुकद्दम हो जाएगा और तलाक मुअख्खर हो जाएगी। तो इसलिए इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक इस खावंद को अभी भी रुजू का हक हासिल है। बात समझ में आ गई। जबकि शेखैन रहमहुमल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, दोनों इकट्ठे वाके होंगे। इताक इल्लत है इत्क की तो ततलीक इल्लत है तलाक की, तो सबका जमाना एक ही है, लिहाजा जिस वक्त में इत्क आ रहा है उसी वक्त में तलाक आ रही है और इत्क तो बांदी पर आ रहा है तो तलाक भी बांदी पर आ रही है, लिहाजा दो तलाकों से हुर्मत गलीजा साबित हो जाएगी भाई। और बाकी यहां जो हमने कहा कि तीन हैज गुजारने पड़ेंगे बतौर इद्दत के इस औरत को, तो वो बतौर एहतियात के है क्योंकि आगे अगर निकाह करना है हिल्लत और हुर्मत का मामला है तो एहतियात इसी में है कि ये तीन हैज ये औरत गुजार ले और फिर निकाह कर सकती है। उसके बाद साहिब हिदाया ने जिक्र फरमाया कि अगर तलाक को किसी चीज से तशबीह दे दी जाए या तलाक की कोई सिफत ले आए तो उस सूरत में तलाक बाइन वाके होगी भाई। जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं नहीं, तलाक बाइन नहीं वाके होगी, तलाक रजई ही वाके होगी, इसलिए क्योंकि तलाक बाइन के बाद इद्दत नहीं है जबकि आम तलाक के बाद इद्दत है और शरीयत ने तलाक के बाद इद्दत को रखा है और यह शख्स तलाक बाइन देकर शरीयत के हुक्म को बदलना चाहता है कि फौरन ही बैनूनत आ जाए, लिहाजा इसकी नीयत का कोई एतबार नहीं होगा और इसे तलाक रजई ही वाके होगी भाई। और फिर उसके बाद साहिब हिदाया ने बतलाया था कि अगर खावंद अपनी बीवी से कहे अंति तालिकुन अफहशत तलाक या अखबसत तलाक या अस्वअत तलाक या तलाक शैतान या तलाक अल बिदात वगैरह, तो इन सब के अंदर तलाक बाइन वाके होगी। या इसी तरह अगर खावन ने बीवी से कहा कि अंति तालिकुन कल जबली, कि तुझे तलाक है पहाड़ जैसी, या तुझे तलाक है अशद तलाक सख्तरीन तलाक है, और या कहा अंति तालिकुन का अल्फिन, के तुझे हजार जैसी तलाक है, या खावन ने कहा अंति तालिकुन मिल अलबैती, तो इन तमाम सूरतों के अंदर भी तलाक बाइन वाके होगी। और अगर तीन की नियत करेगा तो तीन तलाकें भी वाके हो जाएंगी, इसलिए कि इन सब से तलाक बाइन होती है। और बैनूनत दो किस्म पर है, एक बैनूनत खफीफा है और एक बैनूनत गलीजा है। बैनूनत खफीफा यानी हल्की जुदाई और बैनूनत गलीजा यानी सख्त जुदाई, तो लिहाजा दोनों का इसमें इहतमाल है, जिसकी नियत करेगा वही हो जाएगी। और फिर जाब्ता जिक्र फरमाया कि इमाम साहब के नजदीक जाब्ता यह है कि जब भी तलाक को किसी चीज से तशबीह दी जाए तो उस सूरत में तलाक बाइन होगी, चाहे वो चीज बड़ी हो चाहे छोटी हो। और जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह का जाब्ता यह है कि अगर वहां पर अजमत को जिक्र किया जाए, मुशब्बा बिही के बड़े होने को जिक्र किया जाए,
फिर तो इस सूरत में तलाक बाइन होगी वरना तलाक रजई ही होगी। जबकि इमाम जुफर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मुशब्बा भी ही को देखा जाएगा कि लोग इसको बड़े होने के साथ मौसूफ करते हैं या नहीं, यानी लोग इसको बड़ा समझते हैं या नहीं। तो अगर ऐसी चीज के साथ तशबीह दी जिसे लोग बड़ा समझते हैं तो इस सूरत में तलाक बाइन होगी, और अगर ऐसी चीज के साथ तशबीह दी जिसे लोग बड़ा नहीं समझते फिर चाहे आजमत का लफ भी साथ जिक्र कर दे फिर भी तलाक रजई ही होगी। बात समझ में आ गई। अब आइए आज के सबक पर। फसलुन फिर तलाक कबल दुखूल, ये फसल है सोहबत से पहले तलाक के बारे में। भाई आप पढ़ चुके हैं कि अगर खावन सोहबत से पहले बीवी को तलाक दे, यानी एक शख्स का निकाह हुआ है अभी रुखसती नहीं हुई, रुखसती से पहले ही वो बीवी को तलाक देता है तो एक तलाक से ही वो बाइना हो जाएगी। खावन सिर्फ इतना कहे अंति तालिकुन, अब वैसे तो इससे तलाक रजई होती है लेकिन गैर मदखूल बिहा के अंदर इससे फौरन तलाक बाइन हो जाएगी, और नीस उस औरत पर इद्दत भी नहीं है, उस औरत पर इद्दत भी नहीं है, वो फौरन जहां कहीं और चाहे फौरन निकाह कर सकती है। और इस पर इद्दत क्यों नहीं है, वजह यह कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं या युहल्लदीन आमनु इदा नकहतुमुल मुमिनाती सुम्मा तल्लक्तुमुहुन्न मिन कब्लि अन तमस्सुहुन्न फमालकुम अलैहिन्न मिन इद्दतिन तअतद्दूनहा। या युहल्लदीन आमनु, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, इदा नकहतुमुल मुमिनाती, जब तुम मोमिना औरतों से निकाह करो, सुम्म तल्लक्तुमुहुन्ना फिर तुम उनको तलाक दो, मिन कब्लि अन तमस्सुहुन्ना उनको छूने से पहले यानी उनके साथ सोहबत करने से पहले तुम उनको तलाक दो, फमा लकुम अलैहिन्न मिन इद्दतिन फिर तुम्हारे लिए उन पर कोई इद्दत नहीं है, तअतद्दूनहा जिसको तुम लोग शुमार करो। मालूम हुआ सोहबत से पहले औरत को तलाक दी जाए तो उस पर कोई इद्दत नहीं होती। भाई जी देखिए भाई किताब पर कहते हैं फसल फि तलाक कबल दुखूल, ये फसल है सोहबत से पहले तलाक के बारे में। वैदा तल्लकर रजुल उम्रअतहु सलासन कबल दुखूल बिहा वकअना अलैहा। भाई एक शख्स गैर मदखूल बिहा औरत को तलाक देता है और तीन तलाकें देता है, यह बात पहले बयान में कर चुका हूं। अगर वो तीनों तलाकें इकट्ठी देगा एक लफ्ज से, मसलन कहता है अंति तालिकुन सलासन, तो तीनों इकट्ठी वाके होंगी और ये जो औरत है ये तीन तलाकों के साथ बाइना हो जाएगी। एक तलाक देता तब भी इसने बाइना होना था लेकिन खामंद ने तीन इकट्ठी दे दी, जब इकट्ठी दी है एक ही लफ्ज के साथ तो तीनों इकट्ठी वाके भी हो जाएंगी। अब खावंद के लिए इस औरत से निकाह जायज नहीं इल्ला ये कि ये किसी और शख्स से निकाह करे और फिर वो किसी वक्त उसका इंतकाल हो जाए या वो तलाक दे दे तो फिर ये खावंद उसके साथ निकाह कर सकता है। लेकिन अगर खावंद ने तीन तलाकें अलग अलग करके दी, मसलन खावंद उसे कहता है अंति तालिकुन तालिकुन तालिकुन, तो आप देखो तलाकें तरतीब से आ रही हैं तो वाकई भी तरतीब से होंगी, लिहाजा जैसे ही पहली तलाक वाकई होगी साथ ही वो औरत बाइना हो गई तो अगली दोनों तलाकें लगव चली जाएंगी, क्योंकि पहली तलाक होते ही वो बाइना हो गई, निकाह पूरे तौर पर टूट गया, वहां इद्दत भी नहीं है। इद्दत के अंदर तो तलाक वाकई हो जाती है लेकिन यहां गैर मदखूल बिहा में तो इद्दत भी नहीं है, लिहाजा जब तीन अलग अलग लफ्जों से तलाकें दी तो पहली तलाक से ही वो बाइना हो गई और अगली दोनों तलाकें लगव चली गईं। बात समझ में आ गई। तो खावंद अगर गैर मदखूल बिहा को तीनों तलाकें इकट्ठी देगा एक ही लफ्ज से फिर तो तीनों वाके हो जाएंगी, लेकिन अगर तीन अलग अलग लफ्जों के साथ तीन तलाकें देता है तो पहली से ही वो बाइना हो जाएगी। तो कहते हैं वैदा तल्लका रजुल उम्रअतहु सलासन, और जब किसी शख्स ने अपनी बीवी को तीन तलाकें दे दी कबल दुखूली बिहा उसके साथ सोहबत करने से पहले, वकअना अलैहा तो ये तलाकें उस औरत पर वाके हो जाएंगी, लिअन्न अलवाकिअ मस्दरुन महजूफुन, इसलिए क्योंकि वो जो वाके होता है मस्दरुन महजूफुन वो मस्दर महजूफ है। अंति तालिकुन सलासन असल में क्या है, अंति तालिकुन तलाकन सलासन, तो ये तलाक मस्दर जो है जिसकी सिफत सलासन है ये वाक हो रहा है। लिअन्ना मानाहु तलाकन सलासन अलामा बैयन्नाहु, इसलिए क्योंकि इसका माना जो है तलाकन सलासन है अलामा बैयन्नाहु उस वजह से जो हमने बयान कर दी।
फलम यकुन कौलुहू अंति तालिकुन ईकान अलाहिदतिन। लिहाजा खामन ने तो क्या कहा, अंति तालिकुन सलासन। और आपने पढ़ा था जब तलाक के साथ अदद जिक्र हो जाए तो तलाक किससे वाकई होती है, अदद से। तो ये मालूम हुआ ये तलाकन सलासन के साथ जो है तलाक वाकई हो रही है। मालूम हुआ माकबल में जो अंति तालिकुन है उससे तलाक वाकई नहीं। अगर उससे तलाक वाकई होती तो उस एक तलाक से ही औरत ने बाइना हो जाना था और सलासन का लफ्ज लग्व हो जाता, लेकिन यहां तो तलाक ही सलासन से हो रही है, यही बयान कर रहे हैं। फलम यकुन कौलुहू अंति तालिकुन, लिहाजा खावन का कौल अंति तालिकुन जो है वो नहीं है ईकान अलाहिदतिन, वो अलग तलाक का वाकई करना नहीं है। फयकान जुमलतन, तो ये सारी तलाकें इकट्ठी वाकई हो जाएंगी। फइन फर्रका तलाक, अगर खामन ने तलाकों में तफरीक कर दी यानी अलग अलग करके तीन तलाकें दी, बानत बिल उला, तो ये औरत बाइना हो जाएगी पहली तलाक से ही। वलम तकाइसानियतु व सालिसतु, और दूसरी और तीसरी तलाक वाकई नहीं होगी। वज़ालिका मिस्लु अन यकूला, और वो मसलन के खावन यूं कहता है अंति तालिकुन तालिकुन तालिकुन, لأن كل واحد إيقاع على هدة, इसलिए क्योंकि इनमें से हर एक तलाक जो है ईقاع على هدة, वो अलग वाकई करना है, इनमें से हर लफ्ज के साथ अलग तलाक वाकई हो रही है। खामन ने क्या कहा है, अंति طالقٌ طالقٌ طالقٌ, तो कहते हैं لأن كل واحد إيقاع على هدة, इसलिए क्योंकि इनमें से हर तलाक जो है ईقاع على هدة, वो उसको अलहदा वाकई करना है। इदालम यूज कर फी आखिरी कलामी ही मा युगैरु सदरहु हत्ता यतवक्कफा अलैह। भाई याद रखो, बाज़ औकात कलाम के आखिर में ऐसा लफ्ज जिक्र कर दिया जाता है जो सदरे कलाम को बदल देता है, जो सदरे कलाम को बदल देता है, यानी कलाम के आगाज को माना ही को बदल देता है। मसलन देखो, खावन बीवी से कहता है अंति तालिकुन, तो देखो इस सूरत में फौरन तलाक हो जाती है, लेकिन इसी अंति तालिकुन के साथ खावन चंद लफ्ज बढ़ा दे तो देखो तलाक नहीं होगी। मसलन खावन बीवी से कहता है अंति तालिकुन इन दखलती दार, तुझे तलाक है अगर तू उस घर में गई, तो सिर्फ अंति तालिकुन कहता था तो उसे फौरन तलाक होती थी, लेकिन साथ खावन ने आखिर में शर्त बढ़ा दी, तुझे तलाक है अगर तू उस घर में गई, तो अब तलाक वाकई नहीं होगी जब तक औरत उस घर में न जाए। भाई जब वहां जाएगी तो तलाक वाकई हो जाएगी। तो देखो सदरे कलाम था अंति तालिकुन और आखिर में शर्त आ गई इन दखलती दारा, इस शर्त ने सदरे कलाम को ही बदल दिया। पहले तंजीज थी यानी तलाक पूरी हो रही थी उसी वक्त वाकई हो रही थी, लेकिन इन दखलती दार ने आकर उसको मुअल्लक कर दिया। तो मालूम हुआ कि जब शर्त आखिर में आ जाए तो वो सदरे कलाम को बदल देती है। इसी तरह इस्तिस्ना है, इस्तिस्ना भी आखिर में आता है और ये कलाम को बदल देता है। मसलन मसलन पांच आदमियों की एक जमात है और उन्हीं में से एक जैद भी है। अब मैं आपसे कहता हूं जा अनिल कौमू, मेरे पास वो लोग आए थे, अल कौम अलिफ लाम के जरिए मैं उन लोगों की तरफ इशारा कर रहा हूं, वो पांच अफराद जिनमें से एक कौन है, जैद। तो जब मैंने आपसे कहा जा अनिल कौमू, मेरे पास वो लोग आए थे, तो आप समझ गए कि जैद भी आया होगा, क्योंकि जैद भी उनमें से एक है। तो जब वो लोग मेरे पास आए हैं तो यकीनन जैद भी आया होगा, लेकिन मैं आगे इस्तिस्ना लाता हूं इल्ला जैदन, जा अनिल कौमू इल्ला जैदन, वो लोग मेरे पास आए सिवाय जैद के। तो देखो इल्ला जैदन ने आकर कलाम के माना को बदल दिया, पहले अल कौम के अंदर जैद दाखिल था, अब इल्ला जैदन से पता चला कि अल कौम में जैद दाखिल नहीं है, बाकी लोग आए हैं लेकिन जैद नहीं आया। तवज्जो है, बात यह चल रही है कि कभी कभार कलाम के आखिर में ऐसी चीज आ जाती है जो सदरे कलाम को बदल देती है, जैसे अंति तालिकुन के आखिर में शर्त लगा दो तो अब यह तंजीज ना रहेगी बल्कि तालीक बन जाएगी। मैंने बताया तंजीज का माना है तलाक को फौरी वाकई करना, तो ये फिर अगर सिर्फ अंति तालिकुन कहता तो तंजीज थी, फौरन तलाक वाकई हो जाती, लेकिन जब कहा अंति तालिकुन इन दखलती दारा
तो देखो आखिर में शर्त बढ़ाने से अब यह तंजीज के बजाय क्या बन गया, कलाम तालीक बन गया, तलाक मुअल्लक हो गई। इसी तरह इस्तिस्ना के अंदर भी है, जब आखिर में मुस्तस्ना को जिक्र कर दिया जाता है तो माना बदल जाता है। जानिल कौमो सिर्फ यह कहा जाए तो इसका माना जैद भी आया है, लेकिन जानिल कौमो इल्ला जैदन कहा जाए, अब पता चल गया कि अल कौम में जैद दाखिल नहीं है, बाकी लोग मुराद हैं भाई। इसी तरह खावन बीवी से कहता है अंति तालिकुन, तो इससे एक तलाक होती है, लेकिन अगर खावन कहे अंति तालिकुन सलासन, अब कितनी होंगी, तीन तलाकें। तो देखो अंति तालिकुन के बाद ये जो सलासन का लफ्ज आखिर में आया, इसने माकबल कलाम के माना ही को बदल दिया। पहले एक तलाक हो रही थी और अब कितनी है, तीन हो रही है भाई। तो बाज औकात सदर कलाम का माना बदल जाता है जब उसके आखिर में कोई और लफ्ज बढ़ा दिया जाए, जैसे अदद बढ़ा दिया या शर्त बढ़ा दी या मुस्तस्ना को बढ़ा दिया। अब वही बयान कर रहे हैं कि देखो ये जो खामन ने तीन अलग अलग तलाकें दी थी, अंति तालिकुन तालिकुन तालिकुन, और आखिर में कोई शर्त या आदत वगैरह जिक्र नहीं है, तो लिहाजा तीन तलाकें अलग अलग आ रही हैं, तो वो अलग अलग आएंगी और पहली से ही औरत बाइना हो जाएगी क्योंकि गैर मदखूल बिहा है और बाकी दोनों तलाकें लगव चली जाएंगी। लेकिन अगर इसके बजाय सात शर्त वगैरह जिक्र होती तो फिर शर्त आने की सूरत में फिर तीनों इकट्ठी वाके हो जाती। अंति तालिकुन 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 इन दखलती दारा, तो फिर इस सूरत में तीनों तलाकें इकट्ठी हो जाती, लेकिन यहां पर तो कोई ऐसा लफ्ज नहीं है, तो लिहाजा अब तीनों अलग अलग आएंगी और पहली से ही औरत बाइना हो जाएगी और दोनों बाकी लगव चली जाएंगी। तो कहते हैं वदाली का मिसलु अय्यकूला अंति तालिकुन 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 लिअन्न कुल्ल वाहिदिन ईकाउन अलाहिदतिन, इसलिए क्योंकि इनमें से हर एक को अलहदा वाकया करना है। इद लम यूस्कर फी आखिरी कलामी ही, इसलिए क्योंकि जिक्र नहीं किया गया कलाम के आखिर में, मा युगय्यिरु सदरहु, किसी ऐसी चीज को जो कि सदर कलाम को बदल दे, हत्ता यतवक्कफ़ अलैही, यहां तक कि तलाक फिर उस पर मौकूफ रहती। कोई ऐसी चीज कलाम के आखिर में नहीं लाए कि जिसकी वजह से कलाम उस आखिर पर मौकूफ रहता, शर्त या आदत वगैरह आखिर में नहीं है। यह माना है इद लम यूस्कर फी आखिरी कलामी ही, इसलिए क्योंकि उसके कलाम के आखिर में जिक्र नहीं किया गया। मा युगय्यिरु सदरहु, ऐसी चीज को जो सदर कलाम को बदल दे, हत्ता यतवक्कफ़ अलैही, यहां तक कि सदर कलाम उस आखिर कलाम पर मौकूफ हो जाए, ऐसा यहां पर नहीं है। फतक़उल उला फिल हाली, लिहाजा खावन ने जब कहा अंति तालिकुन तालिकुन तालिकुन, तो फतक़उल उला फिल हाली, तो पहली तलाक फिल हाल ही वाके हो जाएगी। फतुसादिफुहस सानियतु, और तो दूसरी तलाक जो है वो इस औरत से मुलाकात करेगी। वही मुबानतुन, इस हाल में कि जुदा हो चुकी है, पहली से क्या हो गई जुदा, तो दूसरी और तीसरी जब मुलाकात करेगी ये जुदा हो चुकी है तो वो लगव चली जाएंगी। आगे देखिए वकदा इदा काल लहा अंति तालिकुन वाहिदतन वाहिदतन वकात वाहिदतुन, सूरत मसला ये गैर मदखूल बिहा बीवी है भाई, ये सारे मसले उस औरत के जिक्र हो रहे हैं जिससे खावन ने अभी सोहबत नहीं की और वो एक ही तलाक से बाइना हो जाती है। तो इस औरत को खावन कहता है अंति तालिकुन वाहिदतन 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 वाहिदतन, तो अब इस सूरत के अंदर अंति तालिकुन वाहिदतन, इससे फौरन एक तलाक वाके हो गई, और वह वाहिदतन दूसरी तलाक जब आई तो औरत तो मुबाना हो चुकी है, वो तो जुदा हो चुकी है, लिहाजा वो लगव चली जाएगी, एक ही तलाक वाके होगी। तो कहते हैं वकदा इदा काल लहा अंति तालिकुन वाहिदतन वाहिदतन, और इसी तरह है मसला यानी एक ही तलाक वाके होगी जब खावन ने बीवी से कहा अंति तालिकुन वाहिदतन वाहिदतन, तो वकात वाहिदतन, तो एक ही तलाक वाके होगी। लिमा जकर ना अन्नहा बानत बिल ऊला, उस वजह से जो हमने जिक्र कर दी कि ये पहली तलाक से ही बाइना हो जाएगी। वलौ काल लहा अंति तालिकुन वाहिदतन फमातत कब्ल कौलिही वाहिदतन कान बातिला, सूरत मसला ये खावन ने बीवी से कहा अंति तालिकुन वाहिदतन,
अंती तालिकुम वाहिदतन। और आप जानते हैं जब तलाक के साथ अदद को जोड़ दिया जाए तो तलाक किससे वाकई होती है? अदद से वाकई होती है, अंती तालिकुन से वाकई नहीं। लिहाजा खामन ने गैर मदखूल बिहा बीवी से कहा अंती तालिकुम वाहिदतन, लेकिन अभी वाहिदतन का लफ्ज खावन ने ही नहीं कहा था, सिर्फ अंति तालिकुन कहा था कि औरत का इंतकाल हो गया उसी लम्हे में। तो वाहिदतन का लफ्ज उसकी मौत के बाद आया, लिहाजा कहते हैं इस सूरत में कोई तलाक वाकई नहीं होगी, क्योंकि यहां अदद साथ मिलाया गया है और तलाक ने अदद से वाकई होना है, और जब तक अदद आया तब तक तो औरत महल्ले तलाक ही ना रही थी, उसका तो इंतकाल हो चुका है। तो कहते हैं वलौ काल लहा अंति तालिकुम वाहिदतन, तो अगर खामन ने बीवी से कहा कि तुझे एक तलाक है, फमातत क़ब्ल क़ौलिही वाहिदतन, तो वो औरत मर गई खावन के कौल वाहिदतन कहने से पहले ही, कान बातिलन, तो ये तलाक बातिल होगी यानी वाकई नहीं होगी, लिअन्नहु क़रना अल-वस्फ बिल अददी, इसलिए क्योंकि खावन ने वसफ यानी तालिकुन को मिलाया है बिल अददी अदद के साथ, फकान अलवाकेउ हुवल अददु, तो वो जो वाके हो रहा है वो अदद है, फैदा मातत क़ब्ल ज़िक्रिल अददी, तो जब वो औरत अदद के जिक्र करने से पहले ही मर गई, फातल महल क़ब्ल अल-ईक़ाई, तो वो तलाक का महल ही फौत हो गया, तलाक वाके करने से पहले वो महल ही ना रहा, फबतला, तो ये तलाक बातिल हो जाएगी या ये कलाम बातिल हो जाएगा, वकदा इदा काल अंति तालिकुन सिनतैन औ सलासन, इसी तरह है मसला, खावन ने बीवी से कहा अंति तालिकुन सिनतैन, या खावन ने बीवी से कहा अंति तालिकुन सलासन, और ये सिनतैन और सलासन कहने से पहले ही औरत का इंतकाल हो गया, तो इस सूरत में भी कोई तलाक वाकई नहीं होगी। तो कहते हैं वकदा इदा काला, और इसी तरह है जब खावन ने यह कहा अंति तालिकुन सिनतैनी औ सलासन, लिमा बैयन्ना, उस वजह से जो हमने बयान कर दी कि अदद से तलाक ने वाके होना था और अदद के आने से पहले तो औरत का इंतकाल हो चुका है, अब वो महल्ले तलाक ही नहीं है भाई। कहते हैं वहाद ही तू जानीसु मा कबलहा मिन हैसुल माना, वहाज ही तू जानीसु, और ये जो मैता का मसला है, तू जानीसु, ये मसला हम जिन्स है मा कबलहा, मा कबल वाले मसले के, मिन हैसुल माना, माना के एतबार से, ये वाला मसला भी मा कबल के मसले के हम जिन्स है माना के एतबार से, भाई मुराद है वो जो पीछे मसाला आया था, फ इन फर्रकत तलाका, खामन ने अगर तलाकों को जुदा कर दिया और यूं कहा अंति तालिकुन तालिकुन तालिकुन, यहां पर भी दूसरी और तीसरी तलाक लगव चली गई, क्यों लगव चली गई, क्योंकि महल ही फौत हो गया था, वो उसकी बीवी रही ही नहीं थी, पहली से ही बायना हो गई, तो लिहाजा महल फौत हो गया, लेकिन महल फौत हुआ तलाक की वजह से, और यहां पर भी जब औरत का इंतकाल हुआ सिनतैन या सलासन कहने से पहले तो महल फौत हो गया, किस वजह से महल फौत हुआ, मौत की वजह से, तो वहां भी महल फौत था और यहां भी महल फौत हुआ है, लेकिन वहां महल फौत हुआ था तलाक की वजह से और यहां महल फौत हुआ है मौत की वजह से, तो माना के एतबार से यह मसला भी उसी मसले जैसा है भाई। तो यह माना है वहाद ही तू जानीसु मा कबलहा, और यह मसला हम जिन्स है मा कबल के, मिन हैसुल माना, माना के एतबार से, वलौ काला अंति तालिकुन वाहिदतन क़ब्ल वाहिदतिन औ बादहा वाहिदतुन वक़अत वाहिदतुन, जी ये जरा लंबा मसला है, इसको समझ लें भाई। याद रखो अगर खावंद ने बीवी को तलाक दी और दो तलाकें अलग अलग जिक्र की और दरमियान में क़ब्लु या बादु ले आया, क़ब्लु या बादु, मसलन खावंद बीवी से कहता है अंति तालिकुन वाहिदतन क़ब्ल वाहिदतिन, अंति तालिकुन वाहिदतन क़ब्ल वाहिदतिन, तो देखो अंति तालिकुन वाहिदतन एक तलाक है और फिर आगे एक और भी है लेकिन उससे पहले क़ब्ल का लफ्ज़ है क़ब्ल वाहिदतिन, और या इसी में बाद का लफ्ज़ ले आए अंति तालिकुन वाहिदतन बाद वाहिदतिन, और एक सूरत यह है कि कबलू और बादू के साथ जमीर भी जोड़ देता है अंति तालिकुन वाहिदतन कबलहा वाहिदतुन या बादहा वाहिदतुन, तो चार सूरतें बन गईं।
कि खावन दो तलाकें जिक्र करता है और उनके दरमियान कबलू और बादू को लाता है और फिर कबलू और बादू के साथ जमीर मिली होगी या जमीर नहीं मिली होगी, तो कुल चार सूरतें बन जाती हैं। इसमें याद रखो अगर बाद वाली तलाक पहले वाके हो रही है तो फिर दो तलाकें वाके होंगी, अगर बाद में जो जिक्र है तलाक वो अगर पहले वाके हो रही है तो दोनों इकट्ठी वाके होंगी, और अगर बाद वाली तलाक बाद में ही है वुकुआ के एतबार से, यानी पहले वाली पहले वाके हो रही है और बाद वाली बाद में, तो फिर ये तो औरत गैर मदखूल बिहा है तो एक ही तलाक से बाइना हो जाएगी। क्या जाब्ता, दो तलाकें खावन ने जिक्र की हैं, दरमियान में कबलू या बादू लाया है और फिर उसके साथ जमीर होगी या जमीर नहीं होगी, तो कुल चार सूरतें बन गईं। तो दूसरी तलाक में गौर कर लेना कि वो दूसरी तलाक वो बाद में है या बाद में नहीं, अगर वो बाद में है तो एक ही तलाक वाके होगी, और अगर वो बाद में नहीं है बल्कि वो पहले है तो फिर इस सूरत में दो तलाकें इकट्ठी वाके हो जाएंगी। तफसील आगे साहिब हिदाया बयान करेंगे। एक बात और यहां याद रखना कि याद रखो माजी में अगर कोई शख्स किसी औरत पर तलाक वाके करना चाहे तो माजी में तलाक वाके नहीं कर सकता क्योंकि माजी तो गुजर चुकी है। खावंद अपनी बीवी से कहता है अंती तालिकुन अमसी, तुझे गुजश्ता कल में तलाक है, तो गुजश्ता कल वो औरत गुजश्ता कल तो वो गैर तालिक थी, लिहाजा खावंद उसको तालिक नहीं बना सकता गुजश्ता कल में, तो वो तलाक उसी वक्त फिर फिलहाल वाके होगी। खावंद ने बीवी से क्या कहा, अंती तालिकुन अमसी, तुझे गुजश्ता कल तलाक है, तो गुजश्ता कल तो ये तलाक नहीं दे सकता, वो तो वक्त गुजर चुका है, तो फिलहाल ही तलाक वाके हो जाएगी। सूरत समझ में आ गई। अब देखिए भाई, एक एक लफ्ज पर जरा गौर करते हैं। खावंद ने बीवी से कहा अंती तालिकुन वाहिदतन कबला वाहिदतिन, अंती तालिकुन वाहिदतन, तुझे एक तलाक है कबला वाहिदतिन, एक और तलाक से पहले, एक और तलाक से पहले तुझे एक तलाक है, तो मुझे बताइए बाद वाली पहले है या बाद वाली बाद में ही है। अंती तालिकुन वाहिदतन, तुझे एक तलाक है काबला वाहिदतिन, एक तलाक से पहले, एक तलाक से पहले, तो मालूम हुआ बाद वाली बाद में है, उससे पहले एक और तलाक दे रहा है। बल्कि यहां भी आपको जरा इश्तिबाह होगा, जरा जैद और अमर को ले आओ फिर बात वाजे हो जाएगी। आप किसी से कहते हैं जाअनी जैदुन कबला अमरीन, वही मिस वहां भी क्या था कबला वाहिदतिन और यहां भी क्या है कबला अमरीन, जाअनी जैदुन कबला अमरीन, मेरे पास जैद आया अमर से पहले, मालूम हुआ जैद का जिक्र भी पहले है और वो आया भी पहले है, और अमर का जिक्र बाद में है और वो आया भी बाद में है, तो लिहाजा जब सिर्फ कबल जिक्र करेंगे तो बाद वाली तलाक बाद में है, जब बाद में है तो पहली से ही औरत बाइना हो जाएगी, तो ये दूसरी तलाक लग्व चली जाएगी। सूरत समझ में आ गई। अब दूसरी सूरत, अब इसी कबल के साथ जमीर ले आओ जरा, अंती तालिकुन वाहिदतन कबलहा वाहिदतुन, अंती तालिकुन वाहिदतन, तुझे एक तलाक है कबलहा वाहिदतुन, इस एक से पहले एक और है, अंती तालिकुन वाहिदतन, तुझे एक ऐसी तलाक है कबलहा वाहिदतुन के उससे पहले एक तलाक है, मानो वह बाद वाली पहले है, बल्कि फिर वो जैद वाली मिसाल बनाए और बात वाजे होगी। आप कहते हैं जाअनी जैदुन कबलहू अमरुन, जाअनी जैदुन कबलहू अमरुन, देखो कबल के साथ मैंने जमीर जोड़ दी, जैसे वहां पर कबलहा वाहिदतुन के अंदर जमीर जुड़ी हुई थी, तो जाअनी जैदुन कबलहू अमरुन, मेरे पास जैद आया कबलहू अमरुन, उससे पहले अमर, मालूम हुआ अमर पहले आया है और जैद बाद में आया है, बात समझ में आ गई। तो मालूम हुआ कबल के साथ हा जमीर जोड़ दें, आंती तालिकुन वाहिदतन कबलहा वाहिदतुन, तो ये जो बाद वाली तलाक है ये पहले हो रही है, तवज्जो है, तो फिर इस सूरत में साहिब हिदाया बतलाएंगे दो तलाकें वाके हो गई। कितनी, दो। किस तरह दो वाके होंगी ये भी समझ लो यहीं पर भाई। देखो खावंद ने कहा आंती तालिकुन वाहिदतन, फिलहाल एक तलाक वाके कर रहा है, और क्या कहता है कबलहा वाहिदतुन, इससे पहले एक और तलाक भी है,
मालूम हुआ वो जो बाद में लफ्ज जिक्र कर रहा है वो वाली तलाक वो माजी में देना चाहता है, क्योंकि इस वक्त पहली तलाक कौन सी है, अंति तालिकुम वाहिदतन, ये फिलहाल है, ये जमाना हाल में है, तो जो इससे पहले होगी यकीनन फिर वो जमाना माजी में होगी, और जमाना माजी के अंदर तो तलाक देने की खावन में कुदरत नहीं, लिहाजा वो भी फिलहाल वाके होगी, तो दोनों तलाकें इकट्ठी वाके होंगी, तो दो तलाकें वाके हो जाएंगी, औरत बाइना होगी लेकिन अब दो तलाकों के साथ बाइना होगी। बात समझ में आ गई। तो अगर कबलू बगैर जमीर के कहा अंति तालिकुन वाहिदतन कबला वाहिदतिन, तो सिर्फ पहली तलाक होगी, दूसरी वाके नहीं, वो लग चली गई क्योंकि पहली से वो बाइना हो गई। लेकिन अगर कबलू के साथ जमीर जोड़ दी अंति तालिकुन वाहिदतन कबलहा वाहिदतुन, तो इस सूरत में बाद वाली को पहले करना चाह रहा है, और पहले तो माजी का जमाना है, उसमें तो वो हो नहीं सकती, लिहाजा दोनों तलाकें इकट्ठी वाके हो जाएंगी। अब जरा बादू को ले आए, अंति तालिकुन वाहिदतन बादा वाहिदतिन, तुझे एक तलाक है, बाद वाहिदतिन एक तलाक के बाद, जरा फिर जैद और अमर को ले आए भाई, फिर बात वाजे होगी। जानी जैदुन बाद अमरीन, मेरे पास जैद आया बाद अमरीन, किसके बाद, अमर के बाद, मालूम हुआ अमर का जिक्र बाद में है लेकिन वो पहले आया है, वो पहले, यहां पर भी इसी तरह अंति तालिकुन वाहिदतन बाद वाहिदतिन, मालूम हुआ बाद वाहिदतिन, ये बाद में जिक्र है लेकिन ये पहले है। फिर सुनो, अंति तालिकुन वाहिदतन, इससे जमाना हाल में तलाक वो दे रहा है, और आगे कहता है बाद वाहिदतिन, कि ये जो जमाना हाल में जो मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं ये एक और तलाक के बाद है, मालूम वो तलाक माजी में थी और माजी में तो ये तलाक वाके नहीं कर सकता, लिहाजा दोनों तलाकें इकट्ठी वाके हो जाएंगी। ये तो था सिर्फ बादू को जिक्र किया, अगर उसके साथ जमीर को भी मिला दें अंति तालिकुन वाहिदतन बादहा वाहिदतुन, कि तुझे एक तलाक है बादहा वाहिदतुन, उसके बाद एक और तलाक है, जैसे जानी जैदुन बादहु अमरुन, मेरे पास जैद आया बादहु अमरुन, उसके बाद अमर आया, मालूम हुआ अमर जिक्र में भी मुअख्खर और आने में भी मुअख्खर। इसी तरह अंति तालिकुन वाहिदतन बादहा वाहिदतुन, तो यहां पर जो बाद वाली वाहिदतुन है वो जिक्र में भी बाद में है और वुकूअ में भी बाद में है, लिहाजा पहली से ही औरत बाइना हो जाएगी और ये दूसरी तलाक लग चली जाएगी। बात समझ में आ गई। अब देखिए भाई, वलौ काला अंति तालिकुन वाहिदतन कबला वाहिदतिन, और अगर खावन ने बीवी से कहा कि तुझे एक तलाक है कबला वाहिदतिन, एक और तलाक से पहले, और बादहा वाहिदतुन, ये तुझे एक तलाक है और उसके बाद एक और तलाक है, वकात वाहिदतुन, तो एक ही तलाक वाके होगी, वल असलु, और जाबता ये है कि अन्नहु मता दकरा शय ऐनी, कि जिस वक्त आदमी ने दो चीजें जिक्र की, वह अदखला बैनहुमा हरफा जर्फी, और उन दोनों के दरमियान कलीमा जर्फ को दाखिल किया। हरफ जर्फ से क्या मुराद है, कलीमा जर्फ यानी कबलू या बादू को दाखिल किया। इन करनहा बिहा इल की नायती कानत सिफतन लिल मजकूरी आखिरन, इन करनहा, अगर उसने इस हरफ जर्फ के साथ मिलाया है बिहा इल की नायती हाए की नाया को, हाए की नाया, हाए की नाया से मुराद जमीर है, याद रखो जमीर को उलमाए बसरा, ये जो जमीर को हम जमीर कहते हैं ये उलमाए बसरा का नाम है, जबकि उलमाए कूफा जमीर को किनाया कहते हैं। क्या कहते हैं, किनाया कहते हैं। देखो एक है जमीर एक है इसमें जाहिर, जमीर के मुकाबले में क्या है इसमें जाहिर, आप तमाम दुनिया के इसम इकट्ठे कर लें और उसमें से 70 जमीरें निकाल लें, बाकी सारे इसमें जाहिर हैं, बाकी क्या है इसमें जाहिर हैं, तो जमीर जाहिर के मुकाबले में है। जमीर का माना, जमीर का माना छुपा हुआ जी। जमीर का क्या माना है, छुपा हुआ, तो बाकी इसम असमाए जाहिर हैं, तो ये 70 क्या हैं, इसमें जमीर हैं। बात समझ में आ गई। वजह ये क्योंकि इनकी मुराद छुपी हुई होती है, यही हुआ मैं बोलूंगा, कभी जैद को लौटाऊंगा तो हुआ से कौन मुराद, जैद, कभी यही हुआ मैं बोलूंगा इससे अमर मुराद होगा,
कभी यही हुआ जमीर मैं जिक्र करूंगा और इसे खालिद मुराद होगा, तो मालूम हुआ इनकी मुराद क्या होती है, पोशीदा है, जाहिर नहीं। मौके के मुताबिक जहां पर इस्तेमाल करेंगे वहां फिर पता चलेगा कि हुआ से आपने किसका इरादा किया है, तवज्जो है। और नीस नीस मसलन अंता जमीर है, अंता से कौन मुराद है, मुखातब। आप इस वक्त मेरे सामने हैं तो अंता जमीर से आप मुराद हैं, अगर मेरे सामने जैद होता तो अंता से जैद मुराद होता, अगर मेरे सामने अमर बैठा होता तो अंता से अमर मुराद होता। तो देखा, मालूम हुआ इनकी मुराद क्या है, वैसे छुपी हुई है, इस्तेमाल के मौका पर पता चलेगा कि इसे कौन मुराद है भाई, किसकी तरफ जमीर लौट रही है या किसके लिए इस्तेमाल की जा रही है। तो उलमाए बसरा इसको जमीर कहते हैं, जबकि उलमाए कूफा इसको किनाया कहते हैं। जमीर का क्या नाम है, किनाया, क्योंकि इसके जरिए किसी जात से किनाया किया जाता है। जैसे हुआ मैंने जिक्र किया और मुराद कौन है, जैद, या मैंने हुआ जिक्र किया और मुराद अमर है, या मैंने हुआ जिक्र किया और मुराद बकर है। तो देखो इसकी मुराद क्या है, पोशीदा है, इसके जरिए किसी से किनाया किया जाता है। क्या किया जाता है, इसके जरिए किसी से किनाया किया जाता है, तो इन जमीरों को उलमाए कूफा किनाया कहते हैं। तो कहते हैं इन करनहा बिहा इल किनायती, अगर अगर उस शख्स ने इस हर्फे जर्फ के साथ मिला दिया हा ए किनाया को, यानी जमीर को, कबलू या बादू के साथ किसको मिला दिया, जमीर को, हा ए किनाया यानी जमीर को, तो कहते हैं इन करनहा बिहा इल किनायती, अगर इस हर्फे जर्फ के साथ हा ए किनाया को मिला दिया यानी जमीर को मिला दिया, कान सिफतन लिल मजकूरी आखरन, तो यह सिफत होगी उसकी जो आखिर में मजकूर हो, जो आखिर में मजकूर हो, जानी जैदन कबलहु अमरुन, कबलहु अमरुन, देखो जमीर साथ जुड़ी हुई है तो मालूम हुआ कबल होना यह किसकी सिफत है, तवज्जो से सुनो, जा अनी जैदन, मेरे पास जैद आया, कबलहु अमरुन, उससे कबल अमर, तो देखो जैद और अमर के बीच में जर्फ ले आया और जर्फ के साथ मैंने हाय किनाया भी जोड़ दी यानी जमीर भी जोड़ दी, तो इस सूरत में जा अनी जैदन कबलहु अमरुन, मेरे पास जैद आया उससे पहले अमर, मुझे बताइए पहले होना यह किसकी सिफत है, ये अमर की सिफत है, शाबाश, कौन पहले है, अमर पहले है, और अगर यह हाज अमीर न होती तो फिर यह कबल किसकी सिफत होती, जो पहले जिक्र है उसकी सिफत होती, जानी जैदन कबल अमरीन, मेरे पास जैद आया अमर से पहले, तो मालूम हुआ कबल होना, पहले होना यह किसकी सिफत है, अव्वल में जो जिक्र है यानी जैद उसकी सिफत है। तो हासिल कलाम क्या, कि अगर दो इस्मों के दरमियान कबल और बादू को जर्फ को जिक्र किया जाए और उसके साथ जमीर को जोड़ा जाए तो फिर यह बाद वाले की सिफत होती है, और अगर जमीर को न जोड़ा जाए तो फिर यह पहले वाले की सिफत होती है। देखिए भाई कहते हैं वल असलू जाब्ता यह है, अन्नहु मतादा करा शय आईनी, कि जब आदमी ने दो चीजें जिक्र की, वह अदखल बैनहुमा हर्फ ज़र्फी, और उन दोनों के दरमियान हर्फ ज़र्फ को यानी कलिमा ज़र्फ को दाखिल किया, इन करनहा बिहा इल किनायती, अगर इस ज़र्फ के साथ हाए किनाया को भी जोड़ दिया यानी जमीर को भी जोड़ दिया, कान सिफतन लिल मज़कूरी आखिरन, तो इस सूरत में यह ज़र्फ जो है यह सिफत होगा वो जिसको जिक्र किया गया है आखिरन आखिर में, का कौली ही, जैसे कि किसी कहने वाले का यह कौल है, जा अनी जैदन कबलहु अमरुन, व इल्लम यकरन हा बिहा इल किनायती, और अगर इस जर्फ के साथ हा ए किनाया को न मिलाया, कान सिफतन लिल मजकूरी अव्वलन, तो यह सिफत होगी उसकी जिसको अव्वलन जिक्र किया गया है, का कौली ही, जैसे कि किसी का कौल है, जा अनी जैदन कबल अमरिन, व ईका उ तलाक फिल माजी ईका उन फिल हाली, और तलाक को माजी में वाक़े करना, ईका उन फिल हाली, ये फिल हाल ही तलाक को वाक़े करना है क्योंकि माजी में तलाक वाक़े कोई नहीं कर सकता,
लिअन अल इसनाद अलै सफी वसई ही, इसलिए क्योंकि इस्तलाक की इसनाद का माने निस्बत करना, लिअन अल इसनादा इसलिए क्योंकि माजी की तरफ निस्बत करना, लै सफी वसई ही ये उसके इख्तियार में नहीं है, लै सफी वसई ही ये उसकी गुंजाइश में नहीं है, यानी उसके इख्तियार में नहीं है। तो कहते हैं लिअन्न अलिस्नाद लैसफी वसईही, इसलिए क्योंकि माजी की तरफ निस्बत करना यह उसकी इख्तियार में नहीं है। फल कबलियतु फी कौलिही, लिहाजा कबल होना फी कौलिही खावंद के इस कौल में, अंति तालिकु वाहिदतन कबल वाहिदतिन बगैर जमीर के है, तो सिफतुन लिल उला, तो इस सूरत के अंदर ये कबल हो ना ये अव्वल की सिफत है, फतबीनु बिल उला, तो इस सूरत में एक ही तलाक से औरत बाइना हो जाएगी, फला तकाउ सानिया, तो दूसरी तलाक वाकई नहीं होगी, वल बादियतु फी कौलिही, और बाद में होना खावन के इस कौल के अंदर, बादहा वाहिदतुन इसके अंदर ये जो बादियत है, सिफतुन लिल अखीरती ये आखिरी तलाक की सिफत है, फहसलतिल इबानतु बिल उला, तो इस सूरत के अंदर भी जुदाई पहली तलाक से ही हासिल हो जाएगी और दूसरी लग्व चली जाएगी। वलव काला अंति तालिकु वाहिदतन कबलहा वाहिदतुन, और अगर खामन ने बीवी से कहा तुझे एक ऐसी तलाक है, कबलहा वाहिदतुन के उससे पहले एक है, तकाउ सिंतानी फिर दो तलाकें वाक़े होंगी, लिअन्न अल-क़ब्लियत सिफ़तुन लिस्सानियती इसलिए क्योंकि पहले होना ये दूसरी तलाक की सिफत है, लित्तिसालिहा बिहर्फिल किनायती इस वजह से कि क़ब्लू के साथ हर्फ किनाया यानी जमीर मिली हुई है, फ़क्तज़ा ईक़ाअहा फिल माज़ी, तो इसने तकाजा किया कि इस दूसरी तलाक ये जो दूसरी तलाक है, ईका फिल माजी इसका ईका जो है फिल माजी माजी में हो, भई ये कबलियत दूसरी की सिफत है, फक्तजा ईका फिल माजी, तो लिहाजा ये तकाजा करती है ईका, फिर देखिए तर्जमा, लिअन्न अल-क़ब्लियत सिफ़तुन लिस्सानियती इसलिए क्योंकि पहले होना ये दूसरी तलाक की सिफत है, लित्तिसालिहा बिहर्फिल किनायती इस वजह से कि इसके साथ हर्फ किनाया यानी जमीर मिली हुई है, फ़क्तज़ा ईका फिल माजी, तो ये कलाम तकाजा करता है कि दूसरी तलाक वाक़े हो फिल माजी जमाने माजी में, व ईका अल उला फिल हाली और पहली तलाक जो है फिल हाल वाक़े हो, गैर अन अल ईका फिल माजी ईका उन फिल हाली ऐजन, इलावा इसके के माजी में तलाक को वाक़े करना ईका उन फिल हाली ऐजन ये भी हाल ही में तलाक को वाक़े करना है, फतक तरी नानी तो ये दोनों तलाकें मिल जाएंगी, फतक आनी तो दोनों वाक़े हो जाएंगी, वकदा इदा काल अंति तालिकु वाहिदतन बाद वाहिदतिन तकाउ सिंतानी, और इसी तरह अगर खावन ने बीवी से कहा अंति तालिकु वाहिदतन बाद वाहिदतिन तकाउ सिंतानी तो दो तलाकें वाक़े होंगी, लिअन्न अल-बादियत सिफ़तुन लिल-ऊला इसलिए क्योंकि बाद में होना ये पहली तलाक की सिफत है, फ़क्तज़ा ईका अल-वाहिदति फिल हाली तो इसने तकाजा किया कि एक तलाक वाक़े हो फिल हाल, व ईका अल-उख़रा क़ब्ल हाज़िही और इसने तकाजा किया कि दूसरी तलाक इस हाल वाली तलाक से पहले वाक़े हो यानी माजी में, लेकिन माजी में तो हो नहीं सकती वो भी हाल में हो जाएगी, फ़तक तरी नानी तो दोनों तलाकें मिल जाएंगी और इकट्ठी वाक़े होंगी, वलव क़ाल अंत तालिकु वाहिदतम वाहिदतिन, अब खावन मा का लफ्ज इस्तेमाल करता है, अंति तालिकु वाहिदतन मा वाहिदतिन या मा के साथ जमीर भी इस्तेमाल करता है, अंति तालिकु वाहिदतन मा वाहिदतुन, तो कहते हैं इस सूरत में दो वाक़े होंगी क्योंकि मा का माना है साथ, तो मालूम हो वो दोनों तलाकों को साथ वाक़े कर रहा है, वलव काल अंति तालिकु वाहिदतम मा वाहिदतिन और अगर खामन ने बीवी से कहा अंति तालिकु वाहिदतम मा वाहिदतिन और माहा वाहिदतुन या एक जमीर भी साथ जोड़ दी मा के तो माहा वाहिदतुन कहा तकाउ सिंतानी तो दो तलाकें वाक़े होंगी, लिअन्न कलिमता मा लिल किरानी इसलिए क्योंकि कलीमा मा जो है लिल किरानी मिलाने के लिए है, नुआन अबी यूसुफ रहमुल्ला फी कौलिही माहा वाहिदतुन और इमाम अबू यूसुफ रहमुल्ला से एक रिवायत है फी कौलिही खावंद के इस कौल में माहा वाहिदतुन, इमाम अबू यूसुफ रहमुल्ला से एक रिवायत यह भी है
कि माहा माह के साथ जब हा जमीर जोड़ देगा तो फिर इस सूरत में एक ही तलाक वाके होगी, इस सूरत में एक तलाक वाके होगी, इसलिए क्योंकि माह के साथ हा जमीर है और हा जमीर गायब की जमीर है और जमीर के लिए हमेशा पहले मर्जिया चाहिए। तो ये माहा के साथ जो हा जमीर है इसने तकाजा किया कि इससे पहले एक और तलाक हो, एक और होगी तो तब ही हा जमीर उसकी तरफ लौट सकती है ना। जमीर के लिए क्या चाहिए? मर्जे, और मर्जे पहले जिक्र होता है, मर्जे मर्जे पहले जिक्र होता है, जमीर बाद में आया करती है। जा अनी जैदुन फअकरम तू हू, मेरे पास जैद आया फिर मैंने उसका इकराम किया। अब आप समझ गए कि ये अकरम तू हू के अंदर हा जमीर किसको लौट रही है? जैद को। तो मर्जे पहले जिक्र होता है। तो इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मा जिक्र करेगा खावन तो दोनों तलाकें इकट्ठी होंगी, लेकिन अगर मा के साथ जमीर मिला दी तो फिर इस सूरत में एक ही तलाक होगी, एक से ही वो औरत बाइना हो जाएगी। इसलिए क्योंकि मा के साथ हा जमीर है और हा जमीर किसका तकाजा करती है? मर्जिया का। किसका? मर्जिया। मालूम हुआ एक तलाक पहले हो चुकी है, अब ये दूसरी जिक्र कर रहा है, लिहाजा वो एक से ही बाइना हो जाएगी। तो कहते हैं वान अबी यूसुफ रहमहुल्लाह ताला फी कौलिही, और इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह से रिवायत है खावन के इस कौल के बारे में कि जो खावन कहता है माहा वाहिदतुन तकाउ वाहिदतुन, इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इस सूरत में एक ही तलाक वाके होगी। लिअन्नल किनायत तक्तजी सबकल मकनी अनहू, भाई ये जमीर को किनाया कहते हैं, जमीर को किनाया कहते हैं उलमाए कूफा के नजदीक, और जिसको जमीर लौट रही है उसको कहते हैं मकनी यून अनहू, यानी जिससे किनाया किया गया है, जिससे मसलन जमीर आप जैद की तरफ लौटा रहे हैं तो मालूम हुआ जैद मकनी अनहू है, जिससे आपने जमीर के जरिए किनाया किया। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं लिअन अल किनायत तक्तजी, इसलिए क्योंकि किनाया यानी जमीर वो तकाजा करती है सब कल मकनी अनहू के, मकनी अनहू मुकदम होना चाहिए, यानी मर्जिया क्या होना चाहिए? मुकदम होना चाहिए ला महालत कतई तौर पर। तो इमाम यूसुफ हमला फरमाते हैं माहा जब कहा तो हा जमीर ये तकाजा करती है कि एक तलाक क्या हो? पहले हो। जब एक तलाक पहले है तो फिर एक वाके होगी और उसी से औरत बाइना हो जाएगी, दूसरी तलाक लगव चली जाएगी। लेकिन मतन में आ गया कि इस सूरत में दो तलाकें होंगी भाई, और जवाब ये कि जमीर का आना ये मर्जिया का तकाजा करता है कि माकबल में मर्जिया जिक्र होना चाहिए, तो माका तो जमीर ये माकबल में मर्जे के जिक्र का तकाजा करती है, मर्जे के वजूद का तकाजा नहीं करती कि उसका पाया जाना भी पहले जरूरी हो। मर्जे का पीछे जिक्र जरूरी है, मर्जे का पहले वजूद जरूरी नहीं है। तो यहां सिर्फ जिक्र पहले है, पहली तलाक का भी वजूद नहीं है भाई। तो यहां सिर्फ जिक्र पहले है, वजूद पहले नहीं है, दोनों इकट्ठी वाके होंगी। व फिल मदखूल बिहा तकाउ सिंतानी फिल वजूही कुल्लिहा, और मदखूल बिहा औरत के अंदर जिसके साथ खावन सोहबत कर चुका है, इन तमाम सूरतों के अंदर उसको दो तलाकें वाके होंगी। गैर मदखूल बिहा तो एक तलाक से ही बाइना हो जाती थी, लेकिन मदखूल बिहा वो तो तलाक का महल है, एक तलाक उस पर वाके भी हो जाए उसे वो बाइना तो नहीं होती, तो दूसरी भी उस पर वाके हो जाएगी। तो कहते हैं वफिल मदखूल बिहा तकाउ सिंतानी फिल वजूह कुल्लिहा, के मदखूल बिहा के अंदर दो तलाकें वाके हो जाएंगी, फिल वजूह कुल्लिहा इन तमाम सूरतों में। कौन सी तमाम सूरतें? ये जहां से कबलू और बादू की बात शुरू हुई थी, और चार सूरतें इसमें बन गई, कबलू और बादू में दो सूरतें बगैर जमीर के और दो सूरतें जमीर के साथ और दो सूरतें मावली। तो इन छह की छह सूरतों में अगर औरत मदखूल बिहा हुई तो दो तलाकें हो जाएंगी। तो यह माना है वफिल मदखूल बिहा तकाउ सिंतानी फिल वजूही कुल्लिहा, दो तलाकें वाके होंगी इन तमाम सूरतों में। लिकियामिल महलियति बाद वुकूइल उला, महल के वजूद की वजह से बाद वुकूइल उला, पहली तलाक के वाके होने के बाद, पहली तलाक के बाद भी महल क्या है? मौजूद है।
आगे देखिए, वलौ قال لها ان دخلت الدار فانت طالق واحده وواحده। सूरत मसला ये खावन तलाक के साथ शर्त को जिक्र करता है और तलाक के अंदर वो के साथ दो तलाकें जिक्र करता है, अंत तालिकूं वाहिदतं व वाहिदतन, वो के साथ दो तलाकें जिक्र कर रहा है अलग अलग, लेकिन इसके साथ शर्त जोड़ता है, इन तखलती दारा व अंत तालिकूं वाहिदतं व वाहिदतन। एक सूरत यह कि शर्त को शुरू में जोड़ दिया, दूसरी सूरत यह है कि शर्त को आखिर में जोड़ दें, अंत तालिकूं वाहिदतं व वाहिदतन इन दखलती दारा। तो साहिबैन फरमाते हैं दोनों सूरतों में दो तलाकें होंगी, औरत गैर मदखूल भी हा है, एक से उसने बाइना हो जाना है, लेकिन साहिबैन फरमाते हैं ये दोनों तलाकें इकट्ठी वाके होंगी क्योंकि दोनों तलाकें शर्त के साथ मुअल्लक हैं। चाहे आप शर्त को पहले जिक्र करें चाहे शर्त को बाद में जिक्र करें, ये दोनों तलाकें शर्त के साथ मुअल्लक हो गई और जैसे ही शर्त पाई जाएगी दोनों तलाकें इकट्ठी आएंगी, पहली भी शर्त के साथ मुअल्लक, दूसरी भी शर्त के साथ मुअल्लक। तो जैसे ही शर्त पाई गई साथ ही पहली आ रही है और साथ ही दूसरी, दोनों इकट्ठी आ रही हैं। दलील समझ में आ रही है साहिबैन की, वो क्या फरमाते हैं कि शर्त चाहे पहले जिक्र करें चाहे बाद में दोनों तलाकें वाके होंगी। जबकि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं अगर शर्त को पहले जिक्र किया तो फिर एक तलाक वाके होगी और अगर शर्त को बाद में जिक्र किया फिर दो तलाकें वाके होंगी। शर्त को अगर पहले जिक्र किया, इन दखलती दारा फांति तालिकूं वाहिदतं व वाहिदतन, तो एक तलाक वाके होगी, दूसरी लग चली जाएगी। और अगर शर्त को बाद में जिक्र किया, अंति तालिकूं वाहिदतं व वाहिदतन इन दखलती दारा, तो अब दोनों इकट्ठी आ जाएंगी। जी देखिए भाई तफसील आगे साहिब हिदाया बयान फरमाएंगे। वलौ قال لها, और अगर खावन ने बीवी से कहा, इन दखलती दार फअंत तालिकूं वाहिदतं व वाहिदतन, कि अगर तू उस घर के अंदर दाखिल हुई तो तुझे एक तलाक है और एक तलाक है, फदखलत, तो वो औरत उस घर में दाखिल हो गई। देखो शर्त पहले जिक्र की है ना, और जब शर्त पहले हो तो इमाम साहब के नजदीक एक तलाक होती है। तो कहते हैं फदखलत, तो वो औरत उस घर में दाखिल हो गई, वक़अत अलैहा वाहिदतुन इंदा अबी हनीफा रहमतुल्लाह, तो उस औरत पर एक तलाक वाकई होगी इमाम साहिब के नजदीक। वकाला, और साहिबैन फरमाते हैं तक़ौ सिमतानी, दो तलाकें वाकई होंगी। वलौ काला लहा, और अगर खावन ने बीवी से यूं कहा, अंति तालिकूं वाहिदतं व वाहिदतन इन दखलती दारा, देखो शर्त को मुअख्खर कर दिया है, तो फदखलत, तो औरत उस घर में दाखिल हो गए, तुल्लिकत सिनतैन बिल इजमा, तो बिल इत्तेफाक दो तलाकें वाके होंगी, उस औरत को दो तलाकें हो जाएंगी इमाम साहब के नजदीक भी और साहिबैन के नजदीक भी। साहिबैन तो फरमाते हैं शर्त को मुकदम करें या मुअख्खर करें कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों तलाकें शर्त से मुअल्लक हो गए और जैसे ही शर्त पाई जाएगी दोनों इकट्ठी आएंगी तलाकें, पहली तलाक भी शर्त के साथ मुअल्लक, जैसे ही शर्त होगी पहली तलाक आएगी, दूसरी तलाक भी शर्त के साथ मुअल्लक, जैसे ही शर्त पाई जाएगी दूसरी भी आएगी। तो शर्त के पाए जाते ही दोनों इकट्ठी आएंगी, वजह समझ में आ रही है, पहली तलाक भी किससे मुअल्लक, शर्त के साथ, जैसे ही शर्त आएगी पहली तलाक आएगी, दूसरी तलाक भी किससे मुअल्लक, शर्त के साथ, जैसे ही शर्त पाई जाएगी साथ ही वो दूसरी भी आएगी, यानी इकट्ठी दोनों आएंगी। तो कहते हैं फदा खला, तो वो औरत दाखिल हो गई, तुल्लिकत सिनतैन बिल इजमा, तो बिल इत्तेफाक इस औरत को दो तलाकें हो जाएंगी। बिल इजमा से मुराद इजमाए उम्मत नहीं भाई, बल्कि हमारे फुकहा का इत्तेफाक मुराद है, यानी हमारे तीनों अइमा का इत्तेफाक है कि इस सूरत में दो तलाकें होंगी। लहुमा, साहिबैन की दलील यह है कि अन्न हर्फ अलवावी लिल जमइल मुतलकी, कि हर्फ वाव जो है वह जमए मुतलक के लिए आता है, हर्फ वाव जमा मुतलक के लिए आता है, यानी वहां पर तरतीब या मिलाना इसका पता नहीं चलता। मसलन मैं कहता हूं जानी जैदुन व अमरुन, जानी जैदुन व अमरुन, जैद और अमर को मैंने जिक्र किया और दरमियान में वाव ले आया, इस वाव ने दोनों को जमा कर दिया, किस चीज में, इस हुक्म में जो एक पर लगाया जा रहा है वही दूसरे पर भी है,
जानी जैदुन व अमरुन, और हुक्म तो मजीअत का लगाया जा रहा है, मालूम हुआ आया जैद भी है और आया अमर भी है। और तफसील यहां नहीं है कि दोनों इकट्ठे आए या एक पहले आया और दूसरा बाद में आया, कोई तफसील नहीं है। वह जमाए मुतलक के लिए आता है, यानी मुतलकन दो चीजों को जमा कर देता है, वहां पर उनके इकट्ठा होने या तरतीब से होने का फायदा नहीं देता, मुतलक जमा का फायदा देता है। तवज्जो है। तो लहुमा साहिबैन की दलील यह है कि अन्न हर्फ अल वावी लिल जमअल मुतलकी, के हर्फे वाव जो है वो जमअल मुतलक के लिए आता है, और खावन ने भी वाव जिक्र किया दो तलाकों में, अंति तालिकुं वाहिदतन व वाहिदतन। तो कहते हैं हर्फे वाव जमअल मुतलक के लिए आता है, फतअल्लकना जुमलतन, तो दोनों तलाकें इकट्ठी मुअल्लक हो जाएंगी, दोनों तलाकें इकट्ठी मुअल्लक हो जाएंगी। कमा इदा नस अला सिंतैनी, जैसे कि खावन ने सिंतैन पर तसरीह की हो। भाई किस औरत की बात चल रही है? गैर मदखूल बिहा की। अगर दो तलाकें अलग अलग आएंगी फिर तो वो एक से ही बाइना हो जाएगी, लेकिन यहां दोनों तलाकें इकट्ठी आएंगी। और साहिबैन फरमाते हैं अगर खावन सिंतैन के लफ्ज को जिक्र कर देता और यूं कहता, मुअल्लक ना करता, शर्त को ना जिक्र करता, वैसे कहता अंति तालिकुन सिंतैनी, तो जैसे यहां पर दो तलाकें इकट्ठी आएंगी, औरत बेशक गैर मदखूल बिहा है लेकिन तलाकें कोई तरतीब से नहीं आ रही कि पहली वाकई होगी और बाइना हो जाएगी और दूसरी लग चली जाएगी, बल्कि दोनों तलाकें इकट्ठी आएंगी और इकट्ठी वाकई हो जाएंगी। तो जैसे सिंतैन के अदद जिक्र करने से दो तलाकें इकट्ठी उस गैर मदखूल बिहा पर वाके होती हैं, इसी तरह यहां पर भी वह किस लिए है? मुतलक जमा के लिए है, इसने दोनों तलाकों को जमा कर दिया और दोनों तलाकें जो है वो मुअल्लक हो गई शर्त के साथ। तो जब शर्त पाई जाएगी तो दोनों तलाकें इकट्ठी आ जाएंगी और वाके हो जाएंगी। तो कहते हैं फिर देखिए लहुमा साहिबैन की दलील यह है कि अन्न हर्फ अल वावी लिल जमअल मुतलकी, के हर्फ वाव जो है वो जमअल मुतलक के लिए आता है, फतअल्लकना जुमलतन, तो ये दोनों तलाकें इकट्ठी मुअल्लक हो जाएंगी। कमा इदा नस अला सिंतैनी, ये इसी तरह है जैसे खावंद सिंतैन के लफ्ज पर तसरीह कर दे, वहां भी दो तलाकें इकट्ठी आती हैं, औ अखरा शर्ता, या खावंद शर्त को मुअख्खर कर दे, खावंद क्या कर दे? शर्त को मुअख्खर कर दे। और जब खामन शर्त को मुअख्खर करता है उसमें तो इमाम साहब भी फरमाते हैं दोनों इकट्ठी वाके होंगी। बात समझ में आ गई? मालूम हुआ जब शर्त को मुअख्खर करें तो दोनों तलाकें शर्त के साथ मुअल्लक हो जाती हैं। तो शर्त को चाहे मुकद्दम भी कर दो, दोनों तलाकें क्या है? शर्त के साथ मुअल्लक हो जाएंगी, तो इकट्ठी ही वाके होंगी। दलील समझ में आ गई? व लहू, और इमाम साहिब की दलील यह है कि अन्नल जम अल मुतलक यहतमिल किरान व तरतीबा, कि आपकी बात हमें तस्लीम है, वह किस लिए आता है? जमा मुतलक के लिए, लेकिन जमा मुतलक उसमें दो सूरतें हैं। मैंने कहा जानी जैदुन व अमरुन, मेरे पास जैद और अमर आए, इसने सिर्फ इतना बताया कि जैद और अमर दोनों आए हैं जी। लेकिन एहतमाल है, हो सकता है इकट्ठे आए हों, हो सकता है दोनों अलग अलग आए हों, तरतीब से आए हों, एक पहले और एक बाद में। तो इमाम साहब फरमाते हैं कि आपकी बात हमें तस्लीम है, वह जमे मुतलक के लिए आता है, और जब यह जमे मुतलक के लिए आता है तो यहां इकट्ठे होने का भी एहतमाल और यहां तरतीब से आने का भी एहतमाल है, दोनों एहतमाल आ गए, लिहाजा एहतमाल की वजह से शक आ गया दूसरी तलाक के वाके होने में। क्या जिक्र किया खावन ने? शर्त पहले रखें, इन दखलती दारा फअंति तालिकुन वाहिदतन व वाहिदतन। तो इमाम साहब फरमाते हैं यहां वह आया और वह मुतलक जमा के लिए आता है, लेकिन इस मुतलक जमा के अंदर दो एहतमाल है, इकट्ठे होने का भी एहतमाल और तरतीब से होने का भी एहतमाल। अगर दोनों को इकट्ठा शुमार किया जाए, अगर दोनों के इकट्ठा होने का एतबार किया जाए तो दो तलाकें होंगी, और अगर तरतीब का एतबार किया जाए तो एक तलाक वाके होगी। तो लिहाजा एक का वाके होना तो यकीनी है, लेकिन दूसरी के वाके होने में शक आ गया, तो शक की वजह से दूसरी तलाक को वाके करार नहीं दिया जाएगा जब खावन ने शर्त को मुकद्दम किया है।
देखिए भाई साहिब हिदायत इसको और बेहतर अंदाज में जिक्र फरमाएंगे। व लहू इमाम साहिब की दलील यह है कि अनल जम अल मुतलक यहतमिलुल किरान व तरतीबा, कि जमे मुतलक जो है वो एहतमाल रखती है किरान का यानी मिलाने का भी कि इकट्ठी हों दोनों तलाकें, व तरतीब और तरतीब का भी एहतमाल रखती है जमे मुतलक। फाला एतबार इल अव्वल तकउसिनतानी, तो पहले एतबार पर दो तलाकें वाकई होंगी, यानी अगर किरान का एतबार किया जाए मिलाने का तो तकउसिनतानी दो तलाकें वाकई हो जाएंगी। वाला एतबार सानी, और अगर दूसरे का एतबार यानी तरतीब का एतबार किया जाए ला तकउ इल्ला वाहिदतुन, तो इस सूरत में तो एक ही वाकई होगी। कमा इदा नज्जज़ा बिहादिही लफ्ज़ती, जैसे कि खावंद ने नज्जज़ा युनज्जिसु, तंजीज का क्या माना है तलाक को पूरा कर देना यानी फिलहाल ही तलाक वाकई कर देना। कि इमाम साहब फरमाते हैं अगर खावंद सिर्फ यूं कहता अंति तालिकूं वाहिदतन व वाहिदतन, अंति तालिकूं वाहिदतन व वाहिदतन, तो इस सूरत में बिल इतफाक एक तलाक वाकई होती है। नहीं तवज्जो तवज्जो भाई, फिर सुनो इमाम साहब की दलील चल रही है। इमाम साहब फरमाते हैं अगर खावंद शर्त जिक्र न करता, तालीक न करता, बल्कि तंजीज करता यानी फौरी तलाक वाकई करता और वाव के साथ करता, और गैर मदखूल बिहा को यूं कहता अंति तालिकू वाहिदतन व वाहिदतन, तो यहां वाव आया और वाव किरान का भी एहतमाल रखता है कि दोनों इकट्ठी हों, और वाव तरतीब का भी एहतमाल रखता है कि एक पहले हो और एक बाद में हो। और खावन जब यूं कहेगा अंति तालिकू वाहिदतन व वाहिदतन, तो इस सूरत में सबके नजदीक एक ही तलाक वाकई होती है, हालांकि वो में तो किरान का भी एहतमाल और तरतीब का भी एहतमाल। वजह यह क्योंकि अगर वो किरान के लिए बनाएंगे तो दो की अट्ठी होनी चाहिए, और वो को अगर तरतीब के लिए बनाएंगे तो एक होनी चाहिए, तो मालूम हुआ दूसरी तलाक के वाकई होने में शक आ गया। एक तो यकीनी है, एक ने तो हर हाल में होना है, तवज्जो है, किरान के लिए बनाएंगे तो दोनों होंगी, किरान के लिए नहीं बनाएंगे तो एक ने तो होना ही है। एक का वुकूअ तो यकीनी है, इसलिए क्योंकि अगर किरान पर महमूल करते हैं फिर तो दो हो रही हैं और उन दो में भी एक तो आ रही है, और अगर आप तरतीब पर महमूल करते हैं फिर भी एक हो रही है, मालूम हुआ एक का वाकई होना तो यकीनी है और दूसरी के वाकई होने में शक आ रहा है, तो लिहाजा दूसरी तलाक के अंदर शक आ गया, और चुनाचे इसीलिए सबके नजदीक की सूरत में एक ही तलाक होती है। जब खामन क्या कहे, जब खामन वो जिक्र करे सिर्फ अंति तालिकूं वाहिदतन व वाहिदतन बगैर शर्त के तंजीज करे तो सबके नजदीक एक होती है। क्यों? क्योंकि दूसरी में शक आ गया, हालांकि वो तो किरान का फायदा देता है या नहीं, वहां तो किरान का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन चूंकि दूसरी में शक है इसलिए बिल इतफाक एक ही होती है। तो यहां पर भी जब शर्त जात जिक्र कर दी तो यहां पर भी एक ही तलाक वाकई होगी, क्योंकि दूसरी में क्या आ गया, शक आ गया। तो कहते हैं कमा इदा नज्जज़ा बिहाज़िही लफ्ज़ती, जैसे कि खावन तलाक को फौरी वाकई कर दे इन लफ्जों के साथ, फला यकाउ ज़ायदु अलल वाहिदति बिशक की, तो लिहाजा वो जो एक पर ज़ायद तलाक है वह शक की वजह से वाकई नहीं होगी। बिखिलाफी मा इदा अखर शर्ता, बखिलाफ उस सूरत के कि जब खामन ने शर्त को मुअखर कर दिया। दूसरी सूरत भाई, जब खामन ने शर्त को मुअखर कर दिया अंति तालिकूं वाहिदतन व वाहिदतन इन दखलती दारा, शर्त आखिर में ले आया, तो याद रखो इस सूरत के अंदर मैंने आपको बतलाया कि कभी कभार कलाम के आखिर में कोई चीज लाई जाए तो वह सारे सदरे कलाम को बदल देती है। क्या करती है? सारे सदरे कलाम को बदल देती है। तो यहां पर भी आखिर में शर्त आ गई और शर्त जो है उसने सारे सदरे कलाम को बदल दिया और सारा सदरे कलाम इस शर्त पर मौकूफ हो गया। सारा सदरे कलाम इस शर्त पर मौकूफ हो गया, और सदरे कलाम में तो क्या था, अंति तालिकूं वाहिदतन व वाहिदतन, दो अलग अलग तलाकें थी, लेकिन शर्त आखिर में आई तो इसने सदरे कलाम को बदल दिया और वो दोनों शर्तें मुअल्लक हो गई शर्त के साथ बिला वास्ता। पहली तलाक भी दुखूल दार से मुअल्लक हो गई और दूसरी तलाक भी दुखूल दार से मुअल्लक हो गई, और जब दुखूल दार पाया जाएगा तो दोनों तलाकें इकट्ठी वाकई हो जाएंगी, क्योंकि दोनों शर्त के साथ मुअल्लक हैं भाई। लेकिन वो सूरत जिसके अंदर शर्त मुकद्दम थी, इन दखलती दार फ अंति तालिकूं वाहिदतन व वाहिदतन,
यहां पर तो शर्त शुरू में है और आखिर में वाहिदतन व वाहिदतन, दो अलग अलग तलाकें आ रही हैं, तो यहां पर कलाम के आखिर में कोई मुगैर नहीं पाया गया जो सदरे कलाम को बदल दे। जब सदरे कलाम को बदलने वाली कोई चीज नहीं है तो फिर इस सूरत में एक ही तलाक वाकई होगी, एक ही तलाक वाकई होगी, इसलिए क्योंकि पहले एक तलाक आएगी और उसके बाद दूसरी तलाक आएगी और औरत पहली से ही बाइना हो चुकी है तो दूसरी लग्व चली जाएगी। याद रखो भाई, तफसील याद रखो। उलमा फरमाते हैं कि जब शर्त मुअख्खर होती है, अंति तालिकुं वाहिदतं व वाहिदतन इन दखलती दारा, तो जब शर्त मुअख्खर है तो इसने अव्वल कलाम को बदल दिया और अव्वल कलाम में दो तलाकें जिक्र हो रही थी, वो दोनों बिला वासिता मुअल्लक हो गई शर्त के साथ, वो दोनों बिला वास्ता मुअल्लक हो गई शर्त के साथ, तो जब शर्त पाई जाएगी तो दोनों इकट्ठी वाकई हो जाएंगी। बात समझ में आ गई, क्योंकि कलाम के आखिर में एक चीज आई थी जिसने सदर कलाम को बदल दिया था, लेकिन अगर शर्त कलाम के शुरू में है, इन दखलती दारा फअंति तालिकुं वाहिदतं व वाहिदतन, तो इस सूरत में याद रखो ये जो पहली तलाक है ये शर्त के साथ मुअल्लक है बराह रास्त भाई, बगैर वास्ते के। इन दखलती दारा फअंति तालिकुं वाहिदतन, ये जो पहला वाहिदतन के साथ जो तलाक आ रही है ये शर्त के साथ मुअल्लक है, और जो अगली वाहिदतन है वो भी शर्त के साथ मुअल्लक है लेकिन इस पहली के वास्ते से, वो दूसरी तलाक पहली के वास्ते से जुड़ रही है क्योंकि वह आतिफा आया है भाई। क्या आया है? वह आतिफा आया है, तो उसने दूसरी तलाक को शर्त से जोड़ा लेकिन किसके वास्ते से? पहली तलाक के वास्ते से भाई। तो लिहाजा ये जो बाद वाली तलाक है ये पहली तलाक के वास्ते से शर्त के साथ जुड़ रही है, पहली के वास्ते से मुअल्लक है, लिहाजा जब शर्त पाई जाएगी तो पहले पहली तलाक पाई जाएगी और फिर उसके वास्ते से दूसरी भी आएगी, लेकिन पहली के तो वाके होते ही औरत तो बाइना हो चुकी है लिहाजा दूसरी लग्व चली जाएगी। तवज्जो है, जब शर्त मुकद्दम होती है तो फिर इस सूरत में पहली तलाक उसके साथ बराह रास्त मुतालिक हुई है और दूसरी तलाक पहली के वास्ते से मुतालिक हुई है शर्त से, तो पहली पहले आएगी और दूसरी बाद में आएगी क्योंकि उस वहां वास्ता आ रहा है बीच में भाई। तो लिहाजा जब औरत घर में दाखिल होगी तो पहली तलाक तो फौरन आ जाएगी क्योंकि वो बराह रास्त शर्त के साथ मुअल्लक थी, और दूसरी तलाक पहली के वास्ते से मुअल्लक थी वो बाद में आएगी भाई, और जब पहली आई तो साथ ही औरत बाइना हुई तो दूसरी तलाक लग्व चली जाएगी, जबकि वो सूरत जिसमें शर्त मुअख्खर थी, शर्त मुअख्खर थी, अंति तालिकुं वाहिदतं व वाहिदतन इन दखलती दारा, तो यहां जब शर्त आखिर में आई तो इसने सारे सदर कलाम को बदल दिया, अब दोनों शर्तें दुखूले दार से मुअल्लक हैं लेकिन बिला वास्ते के, पहली तलाक भी बिला वास्ता बराह रास्त दुखूले दार से मुअल्लक हो गई और दूसरी तलाक भी बिला वास्ता बराह रास्त दुखूले दार से मुअल्लक हो गई। अब दूसरी तलाक पहली के वास्ते से नहीं मुअल्लक हो रही बल्कि बिला वास्ता मुअल्लक हो रही है, लिहाजा इस सूरत में जब दुखूले दार पाया जाएगा तो दोनों तलाकें इकट्ठी आएंगी, इसलिए दोनों वाके हो जाएंगी। फर्क समझ में आ गया? तो यह माना है बेखिलाफ इमा इदा अखर शर्त, बखिलाफ उस सूरत के कि जब खावन ने शर्त को मुअख्खर कर दिया, लिअन्नहु मुगय्यिरुन सदर अल कलामी, इसलिए क्योंकि यह जो शर्त है यह सदर कलाम को बदल देती है, फयतवक्कफुल अव्वलु अलैही, लिहाजा अव्वल कलाम इस शर्त पर मौकूफ हो जाता है। जब शर्त आखिर में आई है तो इसने सदर कलाम को बदल दिया, अब सारा सदर कलाम किस पर मौकूफ? इस शर्त पर मौकूफ है, जैसे ही शर्त पाई जाएगी सदरे कलाम की दोनों शर्तें इकट्ठी आ जाएंगी। तो यह माना है फयतवक्कफुल अव्वल अलैही, तो अव्वल कलाम मौकूफ हो जाएगा इस शर्त पर, फयकअन जुमलतन, तो वो दोनों तलाकें इकट्ठी वाके हो जाएंगी, वला मुगय्यिर फीमा इदा कद्दम शर्त, और कोई मुगय्यिर नहीं है उस सूरत में जब खावन ने शर्त को मुकद्दम किया, यानी कलाम के आखिर में कोई बदलने वाली चीज नहीं है, फलम यतवक्कफ, लिहाजा इस सूरत के अंदर यह कलाम अब शर्त पर मौकूफ नहीं रहेगा क्योंकि शर्त शुरू में आई है। तो पहली तलाक तो बिला वास्ता शर्त से मुअल्लक हो गई लेकिन दूसरी तलाक पहली के वास्ते से मुअल्लक हुई है,
लिहाजा जब औरत घर में जाएगी तो पहली तलाक पहले आएगी और फिर उसके वास्ते से जो तलाक मुअल्लक थी यानी दूसरी तलाक वो बाद में आएगी, लेकिन वो तो पहले से ही बाइना हो जाएगी, लिहाजा दूसरी तलाक लग्व चली जाएगी। तो ये माना है वला मुगैरा फीमा इदा कद्दमा शर्ता, और कोई चीज बदलने वाली नहीं है उस सूरत में जब खावन शर्त को मुकद्दम कर दे। फलम यतवक्फ, तो इस सूरत में ये अव्वल जो है ये शर्त पर मौकूफ नहीं होगा। बात समझ में आ गई। आगे देखिए वला अतफा बिहरफिल फा इफा हुआ अला हादल खिलाफी, और अगर हरफ फा के जरिए अतफ किया, अगर खामन ने हरफ फा के जरिए अतफ किया, अंति तालिकूं वाहिदतन फवाहिदतन इन दखलती दारा, तो फा को जिक्र किया तो कहते हैं वला अतफा बिहरफिल फा, और अगर खामन ने हरफ फा के जरिए अतफ किया, फहुआ अला हादल खिलाफ, तो वो भी इसी इख्तिलाफ पर है, यानी उसमें भी इमाम साहेब और साहिबैन का इसी तरह इख्तिलाफ है। फी मादा करल करखी रहमहुल्ला, उस रिवायत में जिसको इमाम करखी ने जिक्र फरमाया है, इमाम करखी रहमहुल्ला ने जो रिवायत जिक्र फरमाई है कि अगर वाव की जगह फा आ जाए फिर भी इसी तरह इख्तिलाफ है भाई। वदकर अल फकीह अबुल लैसी रहिमहुल्ला, और फकीह अबुल लैस रहमहुल्ला जिक्र फरमाते हैं कि अन्नहु यकउ वाहिदतुम बिल इत्तिफाकी, कि इस सूरत में बिल इत्तिफाक एक ही तलाक वाक़े होगी जब फा आ जाए। लिअन अल्फा अलिताकीब, इसलिए क्योंकि फा जो है ताकीब के लिए आती है। अक़ब युअक़िबु ताकीब का माना है एक चीज को दूसरी चीज के बाद में लाना, उसके पीछे लाना, तो फा किस लिए आती है? ताकीब के लिए। तो जो जिस पर फा दाखिल हो रही है वो बाद में होगा और मा कबल वाला पहले होगा। मालूम तरतीब से तलाकें आएंगी, और गैर मदखूल बिहा पर जब तरतीब से तलाकें आएंगी तो पहली से ही वो बाइना हो जाएगी और दूसरी लगव चली जाएगी। तो इमाम करखी फरमाते हैं कि फा इस्तेमाल करें फिर भी उसका वही हुक्म है जो वाव का हुक्म था, लेकिन फकीह अबू लैस क्या फरमाते हैं कि नहीं, जब फा इस्तेमाल करें फा तो ताकीब का फायदा देती है, लिहाजा वहां बिल इत्तेफाक उस सूरत में एक ही तलाक वाक़े होगी। और साहिब हिदायत आपको बतलाएंगे कि फकीह अबू लैस का कौल ही ज्यादा सहीह है भाई। तो कहते हैं वदा करल फकीह अबू लैस रहमहुल्ला, और फकीह अबू लैस रहमहुल्ला जिक्र फरमाते हैं अन्नहु यक़ऊ वाहिदतुन बिल इत्तिफाकी, के फा इस्तेमाल करने की सूरत में बिल इत्तिफाक एक ही तलाक वाक़ होगी। लिअन अल्फा अलिताकीबी, इसलिए क्योंकि फा जो है वो ताकीब के लिए होती है। वहुवल असहु, और यही यानी फकीह अबू लैस ने जो जिक्र किया है यही ज्यादा सहीह है। इमाम करखी की रिवायत भी सही, लेकिन जो फकीह अबुल लैस ने जिक्र किया वो ज्यादा सहीह है भाई। तो यहां इमाम करखी और फकीह अबुल लैस का जिक्र आया। इमाम करखी का जिक्र तो पहले भी गुजर चुका है भाई। इमाम करखी अहनाफ के बहुत बड़े फकीह गुजरे हैं और इनकी वफात हुई है 340 हिजरी में, 340 हिजरी में। जबकि फकीह अबुल लैस भाई ये भी बहुत बड़े फकीह गुजरे हैं फुकहाए अहनाफ में से, और इनकी वफात हुई है 373 हिजरी में, 373 हिजरी में, 373 भाई। जबकि बाजों ने इनकी तारीख वफात 393 हिजरी लिखी है, यानी 393 भाई। आगे देखिए भाई व अम जरबुस्सानी व हुवल किनायातु ला यकउ बिहा तलाकु इल्ला बिन नियति औ बिदलालतिल हाल भाई। अब किनायात का जिक्र आ गया। किनायात जहां हमने बाबु इकाई तलाक शुरू किया था भाई, ये 8, 4, 6 सफे 10 सफे कबल आया था बाबु इकाई तलाक भाई। वहां शुरू में ही साहिब हिदाया ने आपको बतलाया था अत्तलाक अला ज़रबैनी, कि तलाक दो किस्म पर है, सरीहुं व किनायतुन, एक सरीह है और एक किनाया। तो अभी तक सरीह की बहस चल रही थी, अब किनाया की बात आ गई। मैंने बताया सरीह वो लफ्ज है कि जिसमें किसी और माना का इहतमाल ना हो, मसलन खावंद बीवी से कहता है अंति तालिकुन, या खावंद बीवी से कहता है अंति मुतल्लकतुन, या खावंद बीवी से कहता है तल्लकतु की। तो देखो इन अल्फाज में तलाक के अलावा और किसी माना का इहतमाल नहीं है, तो इसको कहते हैं सरीह, यानी साफ लफ्जों में तलाक देना जी। और दूसरा है किनाया। किनाया वो है जिसमें गोलमोल अल्फाज जिक्र किए जाते हैं, यानी वहां
तलाक का माना भी होता है और तलाक के अलावा भी माना होता है। मसलन खावन बीवी से कहता है तू जुदा है, तो इसका यह माना भी हो सकता है कि तू जुदा है मुझसे, यानी मैं तुझे तलाक दे चुका, और इसका यह माना भी हो सकता है कि तू और औरतों से जुदा है, कोई और औरत तेरे जैसी हुस्न जमाल में नहीं है, या कोई और औरत तेरे जैसी सिफात वाली नहीं है। तो मालूम हुआ अंति बाइनुन, तू जुदा है, इसके अंदर तलाक का भी एहतमाल और इसमें गैर तलाक का भी एहतमाल है, तो इसको किनाया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? किनाया। किनाया इसीलिए कहते हैं कि उनके इसकी मुराद पोशीदा होती है। इसमें तलाक वाला माना भी होता है और दूसरा माना भी होता है। और याद रखना, किनायात के अंदर नियत शर्त है। नियत होगी तो तलाक होगी, नियत नहीं तो तलाक भी नहीं। हां, काजी के पास अगर मसला चला गया तो काजी और चीजों को भी देखेगा, काजी दलील देखेगा। अगर कोई और दलील मिल गई तो फिर खावन से पूछने की जरूरत नहीं, और अगर कोई और दलील न मिली तो फिर खावन से पूछेगा कि तुम्हारी तलाक की नियत थी या नहीं थी। अगर खावन कसम के साथ कहता है मेरी तलाक की नियत नहीं थी, तो फिर काजी भी इसी के मुताबिक फैसला कर देगा और जुदाई वाकई नहीं होगी। भाई बात समझ में आ गई। मसलन और क्या काजी दलील देखेगा कि मसलन मुजाकरा तलाक, भाई मुजाकरा तलाक, मसलन मियां बीवी के दरमियान तलाक के बारे में ही बहस चल रही थी, बीवी तलाक का मुतालबा कर रही थी और खावंद उसके साथ बहस कर रहा था भाई। तो अगर मसला काजी के पास गया और औरत ने जाकर कहा काजी साहब इसने मुझे अंति बाइनुन कहा है, तो काजी पूछेगा कि उस वक्त क्या बहस चल रही थी। तो बीवी ने कहा जी उस वक्त मेरे और खावंद के दरमियान तलाक ही के बारे में बहस हो रही थी। तो अब काजी को नियत पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि दलील मौजूद है कि जब यहां बात ही तलाक की चल रही है तो अंति बाइनून के जरिए खावंद का यही इरादा होगा, तो लिहाजा यहां काजी जुदाई का फैसला कर देगा। तो लिहाजा अगर कोई ऐसी दलील मिल जाए जिससे पता चल रहा हो कि खावंद ने इस लफ्ज से तलाक का इरादा किया होगा, तो फिर काजी खावंद की तस्दीक नहीं करेगा। खावंद बेशक कहता रहे कि मैंने तो तलाक की नीयत नहीं की थी, लेकिन यह मुजाकरा तलाक बतला रहा है कि जब बात ही तलाक की चल रही है तो खावंद ने भी तलाक की नीयत की होगी। और मैंने बतलाया आपको कि यह किनाया है, और किनाये में तलाक का दारोमदार नियत पर है। खावंद ने अगर नियत की है तो तलाक हुई है, खावंद ने अगर नियत नहीं की तो तलाक नहीं हुई। काजी बेशक फैसला कर दे, मसलन मियां बीवी में तलाक की बहस चल रही थी और इस दौरान खावंद ने कहा अंति बाइनुन और उसकी तलाक की नियत नहीं है, लेकिन मुजाकरा तलाक तो हो रहा है, तो काजी तो यही फैसला कर देगा कि दोनों में जुदाई आ गई है, तलाक हो गई है, लेकिन फीमा बैनहु व बैन अल्लाह तआला तलाक वाकई नहीं हुई भाई, क्योंकि उसकी नियत ही नहीं थी। लेकिन जब काजी फैसला कर देगा अब जुदाई आ जाएगी। अभी तक तो जुदाई नहीं थी, लेकिन जब काजी ने फैसला कर दिया तो जुदाई आ जाएगी, क्योंकि काजी को विलायत आम्मा हासिल है, उसका फैसला सब पर नाफिज हो जाता है, तो इस सूरत में अब जुदाई आ जाएगी। लेकिन अगर काजी तक मसला ना जाता और इसने तलाक की नियत नहीं की थी तो बेशक मुजाकरा तलाक ही क्यों ना हो, तलाक वाकई नहीं होगी भाई। तो मालूम है किनायात में नियत का होना जरूरी है, या इसी तरह कोई और दलालत हाल जो है, कोई हालत वगैरह दलालत कर दे तो उससे भी काजी फैसला कर सकता है। तो कहते हैं वह अम मजरबुस्सानी, और बाकी तलाक की जो दूसरी किस्म है वह हुअल किनायात, और वो किनायात हैं ला यकाउ बिहा तलाक इल्ला बिन नियति, इनके जरिए तलाक वाकई नहीं होती मगर नियत से ही, और भी दलालतिल हाली या दलालत हाल से, मसलन मुजाकरा तलाक वगैरह हो रहा है, लिअन्नहा गैरु मौजूअतिन लित्तलाकी, इसलिए क्योंकि ये लफ्ज तलाक के लिए वजा नहीं है। ये बाइनून का लफ्ज कोई तलाक के लिए तो नहीं वजा, ये तो लोग आम कलाम में और चीजों और जगहों पे भी इस्तेमाल करते हैं।
तो कहते हैं ले अन्नहा गैर मौजूआतिन लि तलाक, इसलिए क्योंकि ये किनायात जो है तलाक के लिए वजा नहीं किए गए, बल तहतमिलुहू वगैरहू, बल्कि ये तलाक का भी एहतमाल रखते हैं, वगैरहू और गैर तलाक का भी एहतमाल रखते हैं, फला बुद्दा मिनत तायीन, लिहाजा तायीन जरूरी है कि नीयत के जरिए क्या की जाए, तायीन की जाए, और दलालती ही या दलालत तायीन जरूरी है, दलालत कोई ऐसी चीज हो जो तायीन पर दलालत कर रही हो कि इससे खावंद ने तलाक ही का इरादा किया था, मसलन मुजाकरा तलाक है तो तायीन जरूरी या दलालत तायीन जरूरी है भाई, यानी या नियत होगी या कोई ऐसी चीज जो इस नियत पर दलालत कर रही हो भाई। तो कहते हैं बल तख्ता मिलूहू वगैरहू, बल्कि ये जो किनायात हैं ये तलाक का भी एहतमाल रखते हैं, वगैरहू और गैर तलाक का भी, फला बुद्दा मिनत तायीन और दलालती ही, तो जरूरी है तायीन या दलालत तायीन, तायीन से क्या मुराद है नीयत, और दलालत तायीन जो इस पर दलालत कर दे, कोई ऐसी चीज जो इस नीयत पर दलालत कर दे। काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं वही आला जरबैनी के किनायात दो किस्म पर हैं, मिन्हा सलासतु अल्फाज़िन, जी यहां से आपको यह बतलाएंगे कि जो किनायात हैं ये दो किस्म के हैं, कुछ किनायात वो हैं जिनसे तलाक रजई होती है और कुछ किनायात वो हैं जिनसे तलाक बाइन होती है, जैसे तलाक के लफ्ज से भी कभी तलाक बाइन होती है और कभी तलाक रजई, इसी तरह किनायात भी इनके जरिए कभी तलाक रजई होगी और कभी तलाक बाइन। तो यहां आपको साहिब हिदाया बतलाएंगे कि सिर्फ तीन किनायात हैं जिनसे तलाक रजई होगी, बाकी जितने मशहूर किनायात हैं उन सब से तलाक बाइन होगी। कितने किनायात हैं जिनसे तलाक रजई होगी, तीन किनायात हैं, और बाकी जितने मशहूर किनायात हैं उनसे तलाक बाइन होगी, तीन से रजई होगी। तो कहते हैं वही आला जरबैनी, और ये किनायात दो किस्म पर हैं, मिन्हा सलासतु अल्फाजिन, इनमें से तीन अल्फाज हैं, यकाउ बिहा तलाकुन रजईयुन, के उनसे तलाक रजई होती है, वला तकाउ बिहा इल्ला वाहिदतुन, और इनके जरिए वाके नहीं होती मगर एक ही तलाक, वही कौलुहु, और वो खावंद का ये कौल है, इअतद्दी तू शुमार कर ले, तो शुमार कर ले, अब या तो यह माना है खावन का कि तू इद्दत शुमार कर ले क्योंकि मैं तुझे तलाक दे चुका हूं, तो देखो तलाक वाला माना भी है, और या यह माना है इअतद्दी तू शुमार कर ले, अल्लाह ने तुझ पर कितने इनामात किए हुए हैं तो उनको शुमार कर ले, या मेरे तुझ पर कितने एहसानात हैं तो वो तू शुमार कर ले, तो देखो गैर तलाक का भी माना है। तो कहते हैं इअतद्दी, अगर इससे खावन तलाक की नियत करेगा तो तलाक रजई होगी, वस्तबरी रहीमकी, इस्तबरा का माना है साफ करना, वस्तबरी रहीमकी, तू अपने रहम को साफ कर ले, तू अपने रहम को साफ कर ले, अब इसमें तलाक का भी एहतमाल और गैर तलाक का भी एहतमाल, तलाक का एहतमाल है, मसलन इस्तबरी रहीमकी, तू अपने रहम को साफ कर ले क्योंकि मैंने तुझे तलाक दे दी है, क्योंकि मैंने तुझे तलाक दे दी है तो रहम को साफ कर ले, तो देखो तलाक वाला माना भी है, ये माना है तू अपने रहम को साफ कर ले क्योंकि मैं तुझे अगले पहर में तलाक सुन्नत देने वाला हूं, तू इस हैज में क्या कर ले, अपने रहम को साफ कर ले, मैं अगले तोहर में तुझे तलाक सुन्नत देने वाला हूं, तो मालूम हुआ तलाक अभी दी नहीं, सिर्फ उसका इरादा जिक्र कर रहा है, तो एक सूरत में मतलब है तलाक में दे चुका और एक सूरत में कि मेरा इरादा है तलाक देने का, तो इसमें देखो तलाक वाला माना भी है और इरादा है तलाक वाला भी माना है जिसमें तलाक वाकई नहीं होगी। इसी तरह अंति वाहिदतुन, तो अंति वाहिदतुन तू एक है, तू अकेली है, तू एक है यानी मुझसे जुदा है, मैं तुझे तलाक दे चुका हूं, या तू एक है यानी तुझे एक तलाक है, तुझे एक तलाक है, तो और या ये माना है तू एक है यानी तेरे जैसी सिफात वाली तो और कोई औरत नहीं है, तो देखो तलाक वाला माना भी है और गैर तलाक वाला माना भी है भाई। तो ये तीन किनायात हैं भाई जिनसे तलाक रजई होगी, पहला क्या इअतद्दी, दूसरा क्या
इस्तबरी रहीमा की, तीसरा अंति वाहिदतुन। तो ये तीन किनायात हैं, ये आपको याद होने चाहिए, आगे साहिब हिदाया मसाइल जिक्र फरमाएंगे भाई। तो ये तीन किनायात हैं जिनके जरिए तलाक रजई होती है, जबकि बाकी जितने मशहूर किनायात हैं उनसे तलाक बाइन होती है। अब हर एक को बयान करेंगे, एक एक किनाये को बयान करेंगे। तो कहते हैं अम्मल ऊला, तो जो पहला किनाया है, जो पहला कलिमा है, फली अन्नहा तहतमिलु लिअतिदाद अनिल निकाही व तहतमिलु इतिदाद निअमिल्लाहि तआला। कहते हैं इसलिए क्योंकि जो पहला किनाया है इअतदी का क्या माना, शुमार करना है। इसका यह माना भी हो सकता है तो इद्दत शुमार कर ले, और इद्दत तो कब आती है, तलाक के बाद। मालूम हुआ यहां इक्तिजाअन तलाक को मानना पड़ेगा, फिर ही इद्दत शुमार करने की बात सही हो सकती है, वैसे इद्दत शुमार करने की बात सही नहीं। खावन कह रहे तो इद्दत शुमार कर ले, और इद्दत तो कब शुमार की जाती है, तलाक के बाद, लिहाजा यहां तलाक को इक्तिजाअन मानना पड़ेगा। खावन का यह कलाम तकाजा कर रहा है कि तलाक को मान लो, फिर ही मेरा कलाम सही होगा, वैसे मेरा कलाम सही नहीं। और आकिल बालिग के कलाम को तो सही सूरत पर महमूल करने की पूरी कोशिश की जाएगी, लिहाजा इअतदी खावन ने कहा है और तलाक की नीयत की है तो यहां इक्तिजाअन अंति तालिकुन मानना पड़ेगा। और अंति तालिकुन से कौन सी तलाक होती है, रजई तलाक, इसलिए यहां रजई तलाक होगी। इअतदी का क्या माना, अगर तलाक की नीयत की है तो इद्दत शुमार कर ले, और इद्दत कब शुमार की जाती है, तलाक के बाद। मालूम हुआ माकबल में अंति तालिकुन मौजूद है, यह कलाम तकाजा कर रहा है, तो इक्तिजाअन अंति तालिकुन मानना पड़ेगा। और अंति तालिकुन मानेंगे तो अंति तालिकुन से कौन सी तलाक होती है, तलाक रजई, इसलिए इस इअतदी से तलाक रजई होगी, क्योंकि यहां हमने इक्तिजाअन अंति तालिकुन को माना है। तो लिहाजा इअतदी तू शुमार कर ले, इसमें तलाक का भी एहतमाल, गैर तलाक का भी एहतमाल। तलाक का एहतमाल किस तरह, इअतदी तू इद्दत शुमार कर ले, और गैर तलाक का एहतमाल किस तरह कि तू अल्लाह की नेमतों को शुमार कर ले। तो कहते हैं अम्मल ऊला, तो जो पहला कलीमा है इअतदी जो है, फली अन्नहा तहतमिलु लिअतिदाद अनिल निकाही, यह इहतमाल रखता है निकाह से इद्दत शुमार करने का भी, व तहतमिलु इअतिदाद निअमिल्लाहि तआला, और ये अल्लाह की नेमतों के शुमार करने का भी इहतमाल रखता है। फइन नवल अव्वला, अगर खावन ने पहले की नीयत की यानी निकाह से इद्दत शुमार करने की, तायन भी नीयत ही, तो वो उसकी नीयत की वजह से मुतायन हो जाएगा। फयक तजी तलाकन साबिकन, तो ये इअतदी तकाजा करता है तलाकन साबिकन, एक ऐसी तलाक का साबिकन जो इससे मुकदम है, जो इससे पहले है। वह तलाक यु आकिबुर रजाता, और तलाक को अपने पीछे रुजू को लाती है, तो तलाक रजई होगी। क्या होगी, तलाक रजई। व अम्मसानियतु, और दूसरा कलीमा जो है वो कौन सा, इस्तबरी रहीमा की, इस्तबरी रहीमा की, इसका भी यही माना, या तो यह माना है इस्तबरी रहीमा की यानी तो इद्दत गुजार। औरत इद्दत भी किस लिए गुजारती है, अपने रहम की सफाई के लिए इद्दत गुजारती है कि कहीं उसके रहम में खावन की औलाद ना हो, तो इद्दत भी औरत इसलिए गुजारती है। और खावन ने वही लफ्ज सराहतन कह दिया, तू अपने रहम को क्या कर ले, साफ कर ले यानी इद्दत गुजार ले, तो तलाक का भी माना है। और यह माना भी है कि तू अपने रहम को साफ कर ले, क्योंकि अगले तोहर में मेरा तुझे तलाक सुन्नत देने का इरादा है भाई। तो कहते हैं वह अम्मसानियतु, और बाकी दूसरा कलीमा जो है, फली अन्नहा तुस्तामलु बिमाना लिअतिदादी, इसलिए क्योंकि वो इस्तेमाल किया जाता है इद्दत शुमार करने के माना में। लिअन्नहु तस्रीहुम बिमा हुवल मकसूदु मिन्हु, इसलिए क्योंकि ये तस्रीह है उस चीज की जो इद्दत गुजारने से मकसूद होता है। इद्दत गुजारने से भी क्या मकसूद, रहम की सफाई, और रहम की सफाई ही को इसने सराहतन क्या कर दिया, जिक्र कर दिया, तो जो मकसूद है उसी की तस्रीह कर दी। ये माना है लिअन्नहु तस्रीहुम बिमा हुवल मकसूदु मिन्हु, इसलिए क्योंकि इस्तबरी रहीमा की ये तस्रीह है बिमा हुवल मकसूदु मिन्हु, उस चीज की जो कि इद्दत के जरिए मकसूद होती है। ये तस्रीह है उस चीज की जो इद्दत के जरिए मकसूद होती है। फकान अभी मंजिलती ही, लिहाजा ये भी उसी के दर्जे में है, यानी इस्तबरी रहीमा की ये भी इअतदी के दर्जे में ही है।
इतद्दी का भी क्या माना था, तो इद्दत गुजार, और इस्तबरी रहिमा की, तो अपने रहम को साफ कर ले, यानी इद्दत गुजार, दोनों का माना क्या है, एक ही है, यह माना है। फकान अभी मंजिलती ही, तो लिहाजा यह भी एहतदी के दर्जे में है। वह तख्त मिलुल इस्तिबरा अल युतल्ले कहा, और नीज यह एहतमाल रखता है अल इस्तिबरा आ रहम के साफ करने का, लियुतल्ले कहा ताकि वो उसको तलाक दे दे, यानी तलाक का भी एहतमाल रखता है और इरादा तलाक का भी एहतमाल रखता है। वह अम्मा सालिसतु, और बाकी तीसरा कलीमा जो है, फली अन्नहा तहतमिलु अन तकून नातन लिमस्तरिन महजूफिन। वह अम्मा सालिसतु, और तीसरा किनाया जो है, तीसरा कलीमा जो है कौन सा, अंति वाहिदतुन, ये जो है फली अन्नहा तहतमिलु अन तकून नातन लिमस्तरिन महजूफिन, इसलिए क्योंकि यह एहतमाल रखता है कि यह सिफत हो मस्तर महजूफ की, यह वाहिदतुन लफ्ज यह एहतमाल रखता है कि मस्तर महजूफ की सिफत हो। अंति वाहिदतुन आई अंति तालिकुन तत्लीकतन वाहिदतन, सिफत भी निकाल लें। गोया यूं है पूरा कलाम, खावन ने क्या कहा है, अंति वाहिदतुन, और यह वाहिदतुन सिफत है मस्तर की, और मस्तर क्या बन रहा है, मफूल मुतलक, और मफूल मुत्तक तो किसे कहते हैं, जिससे माकबल उसी माना का फेल या सिफत पाई जाए, तो लिहाजा गोया पूरा कलाम यूं है, अंति तालिकुन तत्लीकतन वाहिदतन, अंति तालिकुन तत्लीकतन वाहिदतन, तो ये तत्लीकतन मस्तर है और ये मफूल मुतलक बन रहा है, और मफूल मुतलक के लिए जरूरी है कि उससे माकबल उसी का हम माना फेल या सिफत पाई जाए, तो यहां पर भी तालिकुन सिफत माकबल में हम निकाल लेंगे, तो सिफत भी निकाल ली, और ये वाहिदा फिर किसकी सिफत बन गई, मस्तर महजूफ की सिफत बन जाएगी। तो अंति वाहिदतुन आई अंति तालिकुन तत्लीकतन वाहिदतन, भाई आपके जहन में आएगा एराब मुख्तलिफ हैं, अंति वाहिदतुन में आप रफा पढ़ रहे हैं और अंति तालिकुन तत्लीकतन वाहिदतन इसमें नसब पढ़ रहे हैं। तो जवाब यह कि आगे साहिब हिदाया भी बतलाएंगे के उलमा फुकहा फरमाते हैं कि एराब का कोई एतबार नहीं है भाई, क्योंकि आम लोगों को एराब का पता नहीं होता भाई। तो कहते हैं फलिया नहा तहतमिलु अन तकून नातन लिमस्तरिन महजूफिन, इसलिए क्योंकि एहतमाल रखता है कि यह सिफत हो मस्तर महजूफ की, माना हो, और इसका माना यह हो तत्लीकतन वाहिदा आई अंति तालिकुन तत्लीकतन वाहिदा, के तुझे एक तलाक है। फ़ाइदा नवाहु, जब खावन तलाक की नीयत भी कर लेता है, जो इला का अन नहु कालहु, तो इसको ऐसे ही करार दिया जाएगा कि खावन ने गोया मस्तर कहा है, खुद जुबान से जिक्र किया है। वह तलाक युअक्किबुर रजअता, और तलाक जो है वो तो अपने पीछे रुजू को लाती है, लिहाजा तलाक रजई होगी। वह तहतमिलु गैरहु, और नीज ये अंति वाहिदा इस तलाक के अलावा का भी एहतमाल रखता है। वह हुआ अंतकून वाहिदतन इंदहु औ इंद कौमी ही, और वो ये कि ये औरत एक हो खावंद के नजदीक या कौम वालों के नजदीक। अंति वाहिदा तलाक के अलावा का भी एहतमाल है, माना यह है अंति वाहिदा तू एक है, यानी मेरे नजदीक अपनी सिफात के एतबार से तू एक ही है, तेरे जैसी और कोई नहीं, या तू अपनी कौम वालों के नजदीक सिफात के एतबार से एक ही है, तेरी कौम में और कोई तेरी सिफात वाली नहीं है भाई। तो ये कहते हैं वह तख्तमिलु गैरहु, और ये अंति वाहिदा गैर तलाक का भी एहतमाल रखता है। वह हुआ अंतकून वाहिदतन इंदहु औ इंद कौमी ही, और वो ये कि ये औरत एक है खावंद के नजदीक या औ इंद कौमी ही, या खावंद की कौम वालों के नजदीक इस जैसी सिफात वाली और कोई नहीं। वलम महतमलत हादिहिल अल्फाज तलाक वगैरहु, और जब ये अल्फाज जो हैं तलाक का भी एहतमाल रखते हैं, वगैरहु और गैर तलाक का भी, युहताजु फीही इलन नीयति, तो इसमें एहतियाज होगी नीयत की। वला यकौ इल्ला वाहिदतुन, और नहीं वाके होगी मगर एक ही तलाक। लिअन्न कौलहु अंति तालिकुन फीहा मुक्तज़न अव मुज़मरुन, लिअन्न कौलहु अंति तालिकुन, इसलिए क्योंकि खावंद का कौल अंति तालिकुन फीहा इन अल्फाज में मुक्तज़न अव मुज़मरुन, या तो मुक्तज़ा होगा या मुज़मर होगा। मुक्तज़ा जिसका कलाम तकाजा करता है, और मुज़मर जो मुकद्दर है। अंति वाहिदतुन के अंदर हमने क्या कहा,
अंति तालिकुन तत्लीकतन वाहिदतन, यहां देखो अंति तालिकुन का लफ्ज मुजमर है, मुकद्दर है। अगर तलाक की नियत करेगा तो यहां तत्लीक का लफ्ज मुकद्दर माना जाएगा। और बाकी जो पहले दो थे इअतदी और इस्तबरी रहिमकी, उसका तो क्या माना था, तो इद्दत गुजार। और इद्दत कब आती है औरत पर, जब तलाक हो, उससे पहले तो नहीं आती, लिहाजा वहां पर इक्तेजान अंति तालिकुन को मानना पड़ेगा। तो तीनों के अंदर अंति तालिकुन निकालना पड़ेगा, बाज में मुक्तजा है अंति तालिकुन और बाज में अंति तालिकुन मुकद्दर है भाई। तो कहते हैं लिअन्न क़ौलहू अंति तालिकुन फीहा मुक्तजन औ मुज़मरुन, इसलिए क्योंकि खावन का कौल अंति तालिकुन वो इनके अंदर मुक्तजा है, यानी पहली दो मिसालों में, औ मुज़मरुन या मुकद्दर है यानी तीसरी सूरत में। वलव काना मुज़हरन, अगर अंति तालिकुन मुज़हर होता यानी जाहिर होता, तो ला तक़ऊ बिहा इल्ला वाहिदतुन, तो उसके जरिए भी एक ही तलाक वाके होती है। फ़ैदा काना मुज़मरन औला, तो जब अंति तालिकुन मुकद्दर है तो औला, फिर बतरीके औला एक ही तलाक होगी भाई। वफी कौलिही वाहिदतुन इन सारल, तो यहां सवाल पैदा होता है कि आपने कहा इन तीनों से तलाक रजई होगी और एक ही तलाक होगी, हालांकि तीसरा किनाया जो है अंति वाहिदतुन आई अंति तालिकुन तत्लीकतन वाहिदतन, वहां तो मस्तर आप निकालते हैं। वफी कौलिही वाहिदतुन, यह एतराज का जवाब दे रहे हैं कि आपने हमें बताया कि इन तीनों किनायात के जरिए तलाक रजई होगी और तलाक भी एक ही होगी, हालांकि तीसरे किनाये के अंदर तो मस्दर आपने निकाला है महजूफ अंति तालिकुन तत्लीकतन वाहिदतन, और मस्दर आपने हमें बताया था कि इसका इतलाक कलील पर भी होता है और पूरी जिंस पर भी होता है, तो यहां तो तीन का इरादा भी सही होना चाहिए, लेकिन आप हमें बता रहे हैं नहीं, एक ही तलाक हो सकती है, इसके जरिए तीन की नियत भी करे उसका कोई एतबार नहीं, एक ही वाकई होगी। तो उसकी क्या वजह है, अब वो बयान करने लगे हैं। कहते हैं वफी कौलिही वाहिदतुन, और खावन के कौल वाहिदतुन में इन सारल मस्दरु मस्कूरन, अगरचे मस्दर जो है वो मस्कूर हो गया, लाकिन न तनसीस अलल वाहिदति, लेकिन वाहिदा पर तो जो तनसीस की गई, जो तसरीह की गई, युनाफी नियत सलासी, ये तीन की नियत के मुनाफी है। तत्लीकतम वाहिदा, तत्लीका तो तकाजा कर रहा है कि इसे तीन का इरादा भी सही होना चाहिए, लेकिन वाहिदतन का लफ्ज आगे आ रहा है वो इस तीन की नियत के मुनाफी है, लिहाजा इसे तीन तलाकों की नियत करे भी तो भी नहीं होंगी भाई, क्योंकि ये वाहिद का लफ्ज तीन के मुनाफी है भाई। तो कहते हैं वफी कौलिही वाहिदतुन, और खावन के कौल वाहिदतुन में इन सारल मस्तरु मस्कूरन, अगरचे मस्तर मस्कूर हो गया है, लाकिन न तनसीस अलल वाहिदति युनाफी नियत सलासी, लेकिन एक पर तसरीह कर देना ये तीन की नियत के मुनाफी है। वला मुअतबर बिइराबिल वाहिदति इंद आम्मतिल मशाइख, भाई ये अंति वाहिदतुन इसमें तीन सूरतें हो सकती हैं, या इस वाहिदा पर रफा पढ़ा जाए, या नसब पढ़ा जाए, या इसको साकिन पढ़ा जाए। अंति वाहिदतुन, अंति वाहिदतन और अंति वाहिदा वक्फ किया जाए। तो बास फुकहा फरमाते हैं अगर खावंद अंति वाहिदतुन में वाहिदा पर रफा पड़े तो फिर इस सूरत में तलाक नहीं होगी, चाहे खावंद नीयत भी कर ले, रफा पढ़ ले फिर तलाक वाके नहीं होगी। वजह यह कि इस सूरत में यह खबर बन रही है, खावन वाहिदा पर रफा पड़ रहा है और मरफू तो खबर हुआ करती है, तो अंति हुआ मुबतदा और वाहिदतुन उसकी खबर, तो यह वाहिदा से खुद अंति यानी मुखातब वो औरत मुराद है, तू एक है, तू अकेली है, तो यह तो औरत की सिफत हुई भाई, लिहाजा ये तो यह तलाक की सिफत नहीं है, लिहाजा इस सूरत में तलाक वाके नहीं होगी, चाहे खावन नियत भी कर ले, और अगर इस पर खावन नसब पड़े अंति वाहिदतन तो फिर इस सूरत में तलाक वाके हो जाएगी, चाहे खावन नियत न भी करे। वजह यह कि इस सूरत में यह मस्तर महजूफ की सिफत बनेगी, यानी इस सूरत में यह वाहिदतन मफूल मुतलक है बैतबार मौसूफ है महजूफ के, इसका मस्तर महजूफ है और वह क्या तत्लीकतन, तो तत्लीकतन वाहिदतन, और मस्तर के लिए माकबल में सिफत या फेल भी चाहिए, तो गोया खावन यूं कह रहा है अंति तालिकुन तत्लीकतन वाहिदतन, तो लिहाजा जब
खावन अंति वाहिदतन नसब पड़े तो फिर इस सूरत में चाहे नियत न भी करे फिर भी तलाक वाके हो जाएगी, क्योंकि पूरा कलाम क्या बन जाएगा, अंति तालिकन तत्लीकता वाहिदतन। और अगर खावन वक्फ करे तो फिर इस सूरत में दारोमदार खावन की नियत पर होगा। मसलन खावन कहता है अंति वाहिदा, वक्फ कर लिया तो खावन से पूछा जाएगा कि आपकी क्या नीयत थी। अगर वो तलाक की नीयत करता है तो तलाक हो जाएगी, और अगर तलाक की नीयत नहीं की, किसी और बात की नीयत की है, तो तलाक वाकई नहीं होगी। तो बास फुकहा फरमाते हैं अंति वाहिदतुन में अगर वाहिदतुन पर रफा पड़ा जाए तो फिर तलाक वाकई नहीं होगी, चाहे नीयत भी कर ले फिर भी वाकई नहीं होगी, क्योंकि यह वाहिदा औरत की सिफत बनेगी, तलाक की सिफत नहीं बनेगी। और अगर इसको मनसूब पड़े अंति वाहिदतन तो फिर इस सूरत में यहां तत्लीकतन जरूर निकालना पड़ेगा। तो इस सूरत में चाहे नियत करे या ना करे तलाक वाके होनी चाहिए जी। रफा पड़े तो तलाक होनी ही नहीं चाहिए, चाहे नियत भी कर ले। नसब पड़े तो नियत ना भी करे फिर भी क्या होनी चाहिए, तलाक वाके होनी चाहिए, क्योंकि मालूम हुआ तत्लीकतन वाहिदतन मस्तर है भाई, मफूले मुतलक है भाई। और अगर वक्फ करे तो फिर वहां नियत को देखा जाएगा। जब अंति वाहिदा कहा तो अब उसकी नियत को देखा जाएगा। बात समझ में आ गई, ये बाज फुकहा ने जिक्र फरमाया, लेकिन साहिब हिदाया आपको बतलाएंगे कि भाई ये वाहिदा के एराब का कोई एतबार नहीं, क्योंकि आवाम को एराब का पता नहीं होता। तो जो भी एराब पढ़ दे इस पर बहरहाल हुक्म यही है, अगर उसने तलाक की नीयत की है तो एक तलाक रजई हो जाएगी। तो कहते हैं वला मुअतबर बि इराबिल वाहिदति इंद आमतिल मशायख, और कोई एतबार नहीं है वाहिदा के इराब का इंद आमतिल मशायख अक्सर फुकहा के नजदीक, आमतुल मशायख अक्सर फुकहा। वह हुआ सहीह, और यही कौल सहीह है, लिअन्न अल अवाम ला युमय्यिज़ून बैन वुजूहिल इराबि, इसलिए क्योंकि आवाम जो है वो फर्क नहीं कर सकते इराब की किस्मों में, उनको एराब की किस्मों का पता नहीं, वो एराब के बारे में वो नहीं जानते भाई। आगे देखिए, कहते हैं काल साहिब कुदूरी फरमाते हैं व बकियतुल किनायाती इजा नवा बिहत तलाक कानत वाहिदतन बाइनतन, और बाकी जो किनायात हैं इजा नवा बिहत तलाक, जब खावन उसके जरिए तलाक की नियत करेगा, कानत वाहिदतन बाइनतन तो एक तलाक बाइना वाके होगी। बाकी जो किनायात हैं, और याद रखो बाकी किनायात से दुनिया भर के किनायात नहीं मुराद, मशहूर किनायात मुराद हैं, मशहूर किनायात, क्योंकि बाकी तो और जुबानें भी हैं, हर जुबान वाले अपने अपने अल्फाज के अंदर मुख्तलिफ जुमले कहेंगे, तो फिर वो मुफ्ती उन पर गौर करके फिर मसला उनको बतलाएगा भाई। तो यहां बकिया किनायात से कौन से किनायात मुराद हैं, मशहूर किनायात। तो कहते हैं वह बकियतुल किनायाती, और बाकी मशहूर किनायात जो हैं इजा नवा बिहत तलाक, खावन जब इसके जरिए तलाक की नियत कर ले, कानत वाहिदतन बाइनतन तो एक तलाक बाइन होगी, वह इन नवा सलासन कान सलासन, और अगर खावन तीन की नियत करेगा तो तीन तलाकें हो जाएंगी, वह इन नवा सिनतैन कानत वाहिदतन बाइनतन, और अगर खावन ने दो की नियत की तो भी एक बाइना तलाक ही होगी, एक बाइना तलाक ही होगी, इसलिए क्योंकि दो अदद है, दो अदद है तो अदद का यहां इहतमाल नहीं। वहादा मिसलु कौलिही, और ये जैसे कि खावन का ये कौल अंति बाइनुन, खावन बीवी से कहता है अंति बाइनुन तू जुदा है, तू अलग है, या तो ये माना कि मैं तुझे तलाक दे चुका हूं तू मुझसे अलग है, या माना यह है कि तू बाकी औरतों से जुदा है, तेरे जैसी सिफात वाली और कोई औरत नहीं, तो इसमें तलाक का भी माना और गैर तलाक का भी। इसी तरह वह बततुन व बतलतुन, बततुन और बतलतुन दोनों का एक ही माना है, दोनों का माना है कता, काटना काटना, तो खावन बीवी से कहता है अंति बततुन, या कहता है अंति बतलतुन, यानी तू मुनकत्या है, कटी हुई है, मुझसे अलग है क्योंकि मैं तुझे तलाक दे चुका हूं, या यह माना है तू कटी हुई है, अलग है, यानी तेरी अपनी ही आदतें हैं, तेरे साथ किसी की आदतें नहीं मिलती। तो देखो गैर तलाक का माना भी है। वह हरामुन, खावन बीवी से कहता है अंति हरामुन, तो यह भी किनाया है, इसमें तलाक वाला माना भी है कि तू मुझ पर हराम है, मैं तुझे तलाक दे चुका हूं,
या इसका यह माना भी हो सकता है अंति हराम उन के तू हराम है बाकी मर्दों पर क्योंकि तू मेरी मनकूहा है। तो देखो गैर तलाक का माना भी है। आगे देखिए वह हबलू की अला गारिबी की, हबल रस्सी को कहते हैं, हबलू की तेरी रस्सी, अला गारिबी की तेरे कंधे पर है, गारिब कंधे को कहते हैं, तेरी रस्सी तेरे कंधे पर है। भाई अरब के अंदर जब ऊंट को चरने के लिए छोड़ते तो उसकी रस्सी उसके गर्दन पर या कोहान पर डाल देते थे, उसको खुला छोड़ देते चरने के लिए, या इसी तरह और किसी बांधे हुए जानवर को कभी कभार उसके रस्सी उसकी कमर पर डालकर उसे चरने के लिए छोड़ देते हैं। तो या तो खावन के कहने का मतलब यह है हबलू की अला गारिबी की, तेरी रस्सी तेरे कंधे पर है, यानी मैंने तुझे आजाद कर दिया, तलाक दे दी, जहां मर्जी जा, या माना यह है तेरी रस्सी तेरे कंधे पर है, यानी मेरी तरफ से तेरे ऊपर कोई पाबंदियां नहीं है, जिस तरह मर्जी राहत से जिंदगी गुजार, तेरी रस्सी तेरे कंधे पर है। जैसे हैवान को आजाद छोड़ दिया जाता है, तू भी पाबंदियों से आजाद मेरे पास जिंदगी गुजार सुकून से। माना समझ में आया? तो इसमें तलाक का भी माना है और गैर तलाक का भी। आगे देखिए वलहिकी भी अहली की, लहिक अलहकू के माने मिलना, मिलना, वलहिकी भी अहली की, तू अपने घर वालों से मिल ले या अपने घर वालों के पास चली जा। तो इसमें तलाक वाला माना भी है कि मैं तुझे तलाक दे चुका हूं, अब तू अपने घर वालों के पास चली जा, या यह माना भी है कि बड़े दिन हो गए तू घर वालों से नहीं मिली, तू जाकर उनसे मिल ले। आगे वह खलीयतुन व बरीयतुन, खलीयतुन का माना भी आजाद, बरीयतुन का माना भी आजाद। खावन बीवी से कहता है अंति खलीयतुन या अंति बरीयतुन, तू आजाद है, माना यह है मैंने तुझे तलाक दे दी है तू आजाद है, या माना यह है तू पाबंदियों से आजाद है, मेरी तरफ से तुझ पर कोई पाबंदी नहीं होगी, खूब आराम से जिंदगी गुजार। तो देखो तलाक का भी माना और गैर तलाक का भी। वहब तू की ली अहली की, खावन बीबी से कहता है वहब तू की ली अहली की, मैंने तुझे तेरे घर वालों को तोहफे के तौर पर दे दिया, मैंने तुझे तेरे घर वालों को सौंप दिया। तो माना यह है कि मैंने तुझे तलाक दे दी है, उनके हवाले कर दिया, अब जाओ उनके पास, या माना यह है कि मैंने तुम्हें अपने घर वालों को सौंप दिया है, मेरी तरफ से जैसे मर्जी राहत के साथ जिंदगी गुजारो, जब मर्जी आओ जाओ, मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। भाई तो देखो तलाक का भी माना है और गैर तलाक का भी। वसर्रहतु की, मैंने तुझे रुखसत कर दिया, माना यह मैंने तलाक दे दिया तुझे रुखसत कर दिया अब जाओ, या सर्रहतु की मैंने रुखसत तुझे कर दिया है, यानी मेरी तरफ से कोई पाबंदी तुम्हारे ऊपर नहीं है, जिस तरह चाहो जिंदगी गुजारो। भाई ये तो मैं मानी बयान कर रहा हूं, जो भी आपके जहन में अच्छा माना आए आप इसका माना कर सकते हैं। भाई बहरहाल तलाक वाला भी माना होगा और गैर तलाक वाला भी माना। भाई वफारक तुकी, मैं तुझसे जुदा हो गया, मैंने तुझसे अलहदगी इख्तियार कर ली है, मतलब यह मैंने तुझे तलाक दे दी है, या फारक तू की, मैं तुझे तुझसे अलहदगी इख्तियार कर ली है, तेरी बातों के मेरे पास जवाब नहीं होते, अब मैं अलग ही रहता हूं, तुम्हारे साथ बहस मुबासा नहीं मैं कर सकता ज्यादा। बात समझ में आ गई? तो बहरहाल जो भी माना मुनासिब मालूम हो वो आप यहां कर सकते हैं, तलाक वाला भी होना चाहिए और गैर तलाक वाला भी। या इसी तरह वह अमरु की भी यदि की, तेरा मामला तेरे हाथ में है, तेरा मामला तेरे हाथ में है, वख्तारी तू इख्तियार कर ले। याद रखो ये दो जो यहां जिक्र किए गए हैं ये तलाक से किनायात नहीं हैं, ये किनाया हैं इख्तियार देने से। खावंद कभी कभार बीवी को इख्तियार दे देता है, खावंद और बीवी के दरमियान तलाक की बहस चल रही है, बीवी तलाक का मुतालबा कर रही है और खावंद तलाक नहीं दे रहा, आखिर तंग आकर खावंद उसे कहता है अमरू की भी यदि की, तेरा मामला तेरे हाथ में है। तो देखो औरत को जुदाई का इख्तियार दे दिया, अब अगर औरत कहती है मैंने अपने आप को तलाक दे दी तो फौरन उसी वक्त बाइना हो जाएगी, उसी वक्त तलाके बाइन हो जाएगी, क्योंकि खावंद ने खुद उसको इख्तियार दिया था। इसी तरह खावंद बीवी से कहता है इख्तारी तो इख्तियार कर ले, यानी चाहे मुझे इख्तियार कर ले चाहे अपने आप को इख्तियार कर ले, मुझसे अलग हो जा।
तो ये जो है अमरु की बियदी की और इख्तारी, ये किनाया हैं इख्तियार देने से, औरत को तलाक का इख्तियार देने से ये किनाया हैं भाई। तो इनका खास ख्याल रखना, बाकी अल्फाज के अंदर खावंद नियत करेगा तो तलाक वाकई हो जाएगी, लेकिन अमरु की बियदी की वख्तारी, इसमें खावंद सिर्फ औरत को इख्तियार दे रहा है और फिर आगे इख्तियार का इस्तेमाल करना वो औरत का काम होगा कि वो अपने ऊपर तलाक को वाके करे या अपने आप को इख्तियार करे और खावन से जुदा हो जाए। फर्क समझ में आ रहा है? तो कहते हैं वह अमरू की भी यदि की, तेरा मामला तेरे हाथ में है। तो इसमें देखो वह अमरू की भी यदि की, इख्तियार दे रहा है खावन, लेकिन यह किनाया है। हो सकता है तलाक का इख्तियार दे रहा हो सकता है किसी और चीज का इख्तियार दे रहा हो। अमरु की बियदी की, तेरा मामला तेरे हाथ में है, यानी अपने आप को मुझसे जुदा करना चाहती है तो जुदा कर ले, तलाक अपने आप को दे दे, तलाक का माना भी हो सकता है। या अमरु की बियदी की, तेरा मामला तेरे हाथ में है, यानी जिस तरह मर्जी जिंदगी गुजार, मेरी तरफ से तेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। तो देखो इसमें इख्तियार दे रहा है, तलाक का इख्तियार देने का भी एहतमाल और गैर तलाक का इख्तियार देने का भी एहतमाल। इसी तरह इख्तारी, तू इख्तियार कर ले, यानी तलाक का इख्तियार दे रहा है कि तू मुझे इख्तियार कर ले या अपने आप को इख्तियार कर ले। या इख्तारी, तू इख्तियार कर ले, तू जिस तरह जिंदगी गुजारना चाहती है, मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। तो देखो इसमें तलाक वाला भी इहतमाल और गैर तलाक वाला भी इहतमाल है। तो ये किनाये हैं इख्तियार देने से भाई। आगे देखिए, वह अंत हुर्रतुन, तू आजाद है, इसमें भी वही माना, तू आजाद है, मैंने तुझे तलाक दे दी है, तलाक वाला माना भी है, और तू आजाद है, मेरी तरफ से तेरे ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदियां नहीं है भाई। तो देखो गैर तलाक का माना भी है। वह तकन्नाई, या तो ये कनाअत से है या कना से है। कनाअत यानी थोड़ी रोजी पर इक्तफा कर लेना, इसको क्या कहते हैं, कनाअत। तो तकन्नाई, तू कनाअत कर, जो कुछ अल्लाह ने दिया है उसी पर इक्तफा कर और ज्यादा का मुतालबा न कर। या तकन्नाई कना से है, कना चादर को कहते हैं। तकन्नाई, तू चादर ओढ़ ले, तू चादर ओढ़ ले, यानी औरत तलाक का मुतालबा कर रही है और खावन क्या कहता है, तकन्नाई के तलाक की बहस से ज्यादा जरूरी यह है तकन्नाई के तू चादर ओढ़ ले। तू क्या कर ले, चादर ओढ़ ले। मुअज्जज औरत बगैर चादर के नहीं होती, तो तुझे इज्जत वाला तरीका इख्तियार करना चाहिए। तो लिहाजा इसमें कनाअत या चादर ओढ़ने का माना भी हो सकता है और नीज इसका माना तू चादर ओढ़ ले, यानी मुझसे पर्दा कर ले, मैंने तुझे तलाक दे दी है भाई, तू पर्दा कर ले मुझसे, चादर ओढ़ ले। वह तखम्मरी, तखम्मर ये खिमार से है, दुपट्टा ओढ़ ले, इसमें भी वही माना, तू तलाक का मुतालबा कर रही है, तलाक से ज्यादा जरूरी है कि तू दुपट्टा ओढ़ ले, मुअज्जज औरतों की तरह तुझे होना चाहिए। या ये माना है तू दुपट्टा ओढ़ ले क्योंकि मैं तुझे तलाक दे चुका हूं, मुझसे अब तू पर्दा कर ले। आगे देखिए, वस्तबरी, मेरी किताब में इस्तबरी है लेकिन यह दुरुस्त नहीं भाई, इस्ततिरी होना चाहिए। इस्ततिरी, तू पर्दा कर ले, यानी तलाक की बहस मेरे साथ ना कर, तू पर्दा कर ले, पर्दा तेरे लिए ज्यादा जरूरी चीज है। या यह माना है कि इस्ततिरी के मैं तुझे तलाक दे चुका हूं, तू मुझसे पर्दा कर ले, तो तलाक वाला माना भी आ गया। या वग़रूबी, ग़रब यग़रूबू के माने हैं दूर होना, वग़रूबी दूर हो जा, तो इसमें भी वही माना, मैं तुझे तलाक दे चुका हूं अब मुझसे दूर हो जा। या वग़रूबी, मैं तेरे साथ बहस नहीं कर सकता, मुझसे दूर हो जा, तो तलाक का इरादा नहीं है, वैसे उसको दूर होने का कह रहा है। तो दोनों माना आ गए। वख़रूजी, और तू बाहर निकल जा। वज़हबी, तू चली जा। वक़ूमी, तू उठ जा। देखो इन सब में भी इसी तरह है, उख़रूजी तू बाहर निकल जा, यानी मेरे घर से निकल जा, मैं तुझे तलाक दे चुका हूं। या मेरे पास से उठकर मेरे कमरे से निकल जा, मैं तेरे साथ बहस नहीं करना चाहता इस वक्त, मैं थक गया हूं। या इस हबी, इसका भी यही माना कि मैंने तुझे तलाक दे दी है, चली जा यहां से। या इस हबी कि मैं तेरे साथ ज्यादा बहस नहीं कर सकता, मैं थक गया हूं, मेरे कमरे से बाहर चली जा, दूसरे कमरे में चली जा। या कूमी, इसमें भी यही माना कि तू यहां से उठ जा, मैं तुझे
तलाक दे चुका हूं, चली जा, या यह माना है कि यहां से उठकर दूसरे कमरे में चली जा, मैं बहस नहीं कर सकता, मैं थक गया हूं। तो वग़ुरुबी, तू दूर हो जा, वख़ुरुजी, तू निकल जा, वज़हबी, तू चली जा, वक़ूमी, तू उठ जा, वबतगिल अज़वाजा। अज़वाज जमा है ज़ौज की, और खावंद को भी ज़ौज कहते हैं और बीवी को भी ज़ौज कहते हैं। तो अगर खावंद कहता है वबतगिल अज़वाजा, तो अगर इस अज़वाज का माना खावंद के करें, वबतगिल अज़वाजा, तू खावंदों को तलाश कर ले, मतलब मैं तलाक दे चुका हूं, तू खावंदों को तलाश कर रहे, तो तलाक वाला माना है। या यह माना है वबतगिल अज़वाजा, तू और बीवियां तलाश कर, मैं दूसरी और तीसरी और चौथी शादी करना चाहता हूं, तो मेरे लिए और बीवियां तलाश कर। तो दोनों माना का इस्तेमाल है, तलाक का भी और गैर तलाक का भी। जी, तो ये थे कुछ मशहूर किनाया। कहते हैं लिअन्नहा तहतमिलु तलाक वगैरहु, इसलिए क्योंकि ये अल्फाज जो हैं तलाक का भी इहतमाल रखते हैं और गैर तलाक का भी। फला बुद्दा मिनन नीयति, लिहाजा नीयत जरूरी है। काल साहिब कुदूरी फरमाते हैं इल्ला अन यकून फी हालति मुज़ाकरति तलाक, तो इनमें नीयत जरूरी है। इल्ला अन यकून फी हालति मुज़ाकरति तलाकी, मगर यह कि यह मुज़ाकरा तलाक की हालत में हो, मियां बीवी मुज़ाकरा तलाक की हालत में हो। फयकउ बिहा तलाक फिल क़ज़ाई, तो इनके जरिए तलाक वाकई हो जाएगी कजा में, यानी काजी भी क्या फैसला करेगा। वैसे तो काजी खावन से पूछेगा तुम्हारी नीयत क्या है, लेकिन अगर कोई और चीज, कोई और दलील आ गई, मसलन मुज़ाकरा तलाक था, तो फिर काजी को पूछने की जरूरत भी नहीं है। यह माना है कि फयकउ बिहा तलाक फिल क़ज़ाई, कि अगर यह मुज़ाकरा तलाक की हालत में हुए तो फिर क़ज़ा में इनके जरिए तलाक वाक़े हो जाएगी। लेकिन वला यकउ फीमा बैनहू व बैन अल्लाह तआला, लेकिन उसके और अल्लाह के बीच तलाक वाक़े नहीं है। इल्ला अय्यन वियहू, मगर यह कि वो उस तलाक की नीयत करे। मैंने बतलाया वैसे तो तलाक वाकई ही नहीं हुई अगर उसने नीयत नहीं की, लेकिन अगर काजी फैसला कर देगा तो फिर जुदाई आ जाएगी भाई। قال رضي الله عنه سوى بين هذه الالفاظ وهذا فيما لا يصلح ردا, صاحب हिदाया फरमा रहे हैं سوى بين هذه الالفاظ, के साहिब कुदूरी ने बराबरी की इन अल्फाज में। साहिब कुदूरी ने इन सब के बारे में फरमा दिया कि अगर मुजाकरा तलाक में ये अल्फाज हुए तो फिर काजी इसमें जुदाई का फैसला कर देगा। क्या कर देगा? जुदाई, यानी तलाक का। बतलाया ना फयकउ बिहा तलाक फिल क़ज़ाई, कि काजी के पास मसला गया और यह खावन ने यह लफ्ज किस वक्त बोला था? जब मियां बीवी मुजाकरा तलाक कर रहे थे, तो फिर काजी खावन से नीयत भी नहीं पूछेगा, क्योंकि मुजाकरा तलाक की दलील मौजूद है और इसकी वजह से खावन ने अंति बाइनून वगैरह लफ्ज कहा है, तो काजी जुदाई का फैसला कर देगा। तो साहिब हिदाया फरमा रहे हैं कि साहिब कुदूरी ने इन तमाम अल्फाज को बराबर कर दिया, सब का एक ही हुक्म बता दिया कि अगर ये लफ्ज मुजाकरा तलाक में बोले हैं तो काजी तलाक का फैसला कर देगा। हालांकि इन सब में ऐसा नहीं है, इन सब में ऐसा नहीं है। तफसील आगे साहिब हिदाया बयान फरमाएंगे। तो कहते हैं काला रजी अल्लाह ताला अन्हु, साहिब हिदाया फरमाते हैं सवा बैन हादिहिल अल्फाजी, के साहिब कुदूरी ने बराबरी कर दी इन अल्फाज में। वहादा फी मा ला यस्लुहु रद्दन, और हालांकि यह हुक्म तो उन अल्फाज में है जो रद्द की सलाहियत नहीं रखते, जो रद्द की सलाहियत नहीं रखते। देखो, एक है जवाब, एक है रद्द, एक है सबो शितम। ये जितने अल्फाज आए, जितने अल्फाज आए, इनमें तलाक का भी इहतमाल और गैर तलाक का भी इहतमाल है। मसलन मुजाकरा तलाक हो रहा है, तवज्जो है, तो मुजाकरा तलाक के अंदर औरत तलाक का मुतालबा कर रही है, तो अगर खावन ने इन किनायात में से कोई लफ्ज बोला और वो जवाब बनने की तो सलाहियत रखता है, रद्द बनने की सलाहियत नहीं रखता, तो फिर काजी जुदाई का फैसला करेगा। देखो, एक है जवाब, एक है रद्द, औरत किसका मुतालबा कर रही है? तलाक का। तो अगर खावन उसकी बात के मुताबिक तलाक दे देगा तो हम कहेंगे खावन ने उसको जवाब दे दिया, यानी उसकी दरखास्त को कबूल कर लिया। औरत भी किसका मुतालबा कर रही थी? तलाक का। और खावन ने भी क्या कह दिया? अंति बाइनुन, तो
जुदा है। तो खावन ने उसको जवाब दिया, क्या माना जवाब दिया, यानी उसकी बात कबूल कर ली, तलाक दे दी। और एक यह है कि खावंद ने उसकी बात रद्द कर दी, खावंद ने उसकी बात रद्द कर दी, वो तलाक का मुतालबा कर रही है लेकिन खावंद ने रद्द कर दिया। तो साहिबे हिदाया बतलाएंगे कि ये जितने अल्फाज हैं इनमें से बाज जवाब बनने की सलाहियत रखते हैं, रद्द की सलाहियत नहीं रखते। यानी उनसे ये मालूम होता है खावंद बीवी की बात कबूल कर रहा है और उसको तलाक दे रहा है। और कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि उनमें आप गौर करें तो यूं मालूम होता है कि खावंद बीवी को रद्द कर रहा है। बीवी कह रही है तलाक दे दो, खावंद कहता है नहीं, उठ के चली जाओ यहां से, उठ के चली जाओ यहां से। तो इसमें तो रद्द का भी एहतमाल है कि खावंद रद्द कर रहा है, तवज्जो है। तो लिहाजा मुजाकरा तलाक में अगर खावंद ने ऐसा लफ्ज बोला जिसमें रद्द का भी एहतमाल है कि वो औरत की दरखास्त को रद्द कर रहा है, औरत के मुतालबे को रद्द कर रहा है, तो फिर काजी खावंद की बात का एतबार करेगा। मुजाकरा तलाक है, जाब्ता क्या जिक्र हुआ था कि इनसे तलाक कब होगी, जब खावंद की नीयत हो। अगर नीयत नहीं है लेकिन मुजाकरा तलाक मौजूद है तो भी काजी जुदाई का फैसला करेगा, खावंद की बात का एतबार नहीं करेगा। साहिब हिदाया कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बाज अल्फाज इनमें से रद्द का एहतमाल रखते हैं, तो अगर वो ऐसा लफज हुआ तो फिर चाहे बेशक मुजाकरा तलाक हो रहा हो, काजी फिर भी खावंद के कौल का एतबार करेगा। मसलन खावंद और बीवी में बहस चल रही है और खावंद क्या कहता है, कूमी, उठ जा यहां से, तो आप ये ऐसा लफ्ज है जिसमें रद्द का भी एहतमाल है, इसमें रद्द का भी एहतमाल है कि खावंद उसकी बात को रद्द कर रहा है कि नहीं उठ के चली जा, मैं तुझे कोई तलाक नहीं देना चाहता। तो अगर मुजाकरा तलाक में इस किस्म का लफ्ज खावंद कह दे तो फिर काजी जुदाई का फैसला नहीं करेगा, क्योंकि यह लफ्ज रद्द का भी एहतमाल रखता है कि खावंद उसकी बात रद्द कर रहा है, तो इसमें भी काजी उस खावंद की बात कबूल करेगा जी। तो कहते हैं काल रजी अल्लाह ताला अन्हु सवा बैन हादिहिल अल्फाजी, के साहिब कुदूरी ने इन अल्फाज में बराबरी कर दी। वहादा फी मा ला यसलुहु रद्दन, हालांकि ये उन अल्फाज में है जो रद्द की सलाहियत नहीं रखते, जो रद्द की सलाहियत नहीं रखते उनमें काजी तलाक का फैसला करेगा, और जो रद्द की सलाहियत रखते हैं वहां काजी तलाक का फैसला नहीं करेगा। आगे देखिए वल जुमला तुफी जालिका जी, यह अब कीमती बहस है भाई। साहिब हिदाया हासिल कलाम बयान फरमा रहे हैं किनायात का भाई, कि आपके सामने किनाया आए तो आप कैसे फैसला करेंगे। कहते हैं वल जुमला तुफी जालिका, जुमला से मुराद है हासिल कलाम, और हासिल कलाम फी दालिका इस बारे में वो ये है कि अनल अहवाल सलासतुन, के अहवाल तीन किस्म पर हैं। हालतुन मुतलकतुन, एक तो मुतलक हालत है, वही हालतुर रिजा, और ये रजामंदी वाली हालत है, यानी मियां बीवी में ना तो मुजाकरा तलाक चल रहा है और ना ही झगड़ा चल रहा है, ना ही, तीन हालतें बयान करेंगे, एक आम हालत, एक मुजाकरा तलाक, और एक हालत गजब, एक हालत गजब गुस्से वाली हालत। तो तीनों के बारे में साहिब हिदाया बयान फरमाएंगे। तो कितनी हालतें हो सकती हैं, खावन ने किनाया इस्तेमाल किया या तो वह हालत रजा होगी, यानी आम हालत है, ना मुजाकरा तलाक है और ना गजब की हालत है, या वह मुजाकरा तलाक होगा या वह गजब की हालत होगी। तो तीनों में तफसील बयान फरमा रहे हैं। कहते हैं अन्नल अहवाल सलासतुन, अहवाल जो हैं वो तीन हैं। हालतुन मुतलकतुन, एक मुतलक हालत है, वही हालतुर रिजा, और ये रजामंदी वाली हालत है। वह हालतु मुजाकरती तलाकी, और एक हालत है मुजाकरा तलाक वाली। वह हालतुल गजबी, और एक हालत है गजब वाली, गुस्से वाली। वल किनायात सलासतु अकसामिन, और किनायात भी तीन किस्म पर हैं। मायसलुहु जवाबं व रद्दन, कुछ किनायात वो हैं जो जवाब और रद्द दोनों की सलाहियत रखते हैं, जवाब और रद्द। औरत तलाक का मुतालबा कर रही है, मुजाकरा तलाक चल रहा है, तलाक मांग रही है, और खावन ने ऐसा किनाया इस्तेमाल किया कि उसका माना यह भी हो सकता है मैंने तुझे तलाक दे दी। मसलन खावन ने कहा इज़हबी, तो इसका क्या माना, इसका यह माना भी हो सकता है, ठीक है मैंने तुम्हें तलाक दे दी, जाओ।
और इसका यह माना भी हो सकता है कि जाओ यहां से चली जाओ, मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं बल्कि नायात सलासत व अकसाम, इनकी नायात तीन किस्म पर हैं, मा यसलुहु जवाब व रद्दन, कुछ की नायात वो हैं जो जवाब बनने की सलाहियत भी रखते हैं, व रद्दन और रद्द की सलाहियत भी रखते हैं। जवाब का क्या माना, खावंद का मुतालबा तलाक को कबूल करके तलाक देना, इसको क्या कहेंगे जवाब, यानी खावंद तलाक दे रहा है। और रद्द का क्या माना, खावंद रद्द कर रहा है, तलाक नहीं दे रहा। तवज्जो है। तो कहते हैं कुछ अल्फाज ऐसे हैं इनके अंदर जो सलाहियत रखते हैं जवाब व रद्दन, जवाब की भी और रद्द की भी, वह मा यसलुहु जवाब ला रद्दन, और कुछ ऐसे किनायात हैं जो सलाहियत रखते हैं जवाब होने की, ला रद्दन रद्द की सलाहियत नहीं रखते। वह मा यसलुहु जवाब व यसलुहु सबबं व शतीमतन, और तीसरी किस्म के किनायात वो हैं मा यसलुहु जवाबन, जो जवाब होने की सलाहियत भी रखते हैं, व यसलुहु सबबं व शतीमतन, सब उनका माना है गाली देना, शतीमतन का माना भी गाली देना और बुरा भला कहना। तो कुछ किनायात ऐसे हैं मायसलुहु जवाबन कि जो जवाब होने की भी सलाहियत रखते हैं, वयसलुहु सबबं व शतीमतन और गाली और बुरा भला कहने की भी सलाहियत रखते हैं। तो अब तीनों किस्म का अलग अलग हुक्म बयान करेंगे मौके के मुताबिक। तो कहते हैं फफी हालत रेजा, रजामंदी की हालत में, यानी मुतलक हालत में, जब ना मुजाकरा है तलाक है और ना गजब है, ला यकून शय मिन्हा तलाकन इल्ला बिन नियति, इनमें से कोई एक चीज भी तलाक नहीं होगी मगर नियत से। हालत रजा, खावन ने बीवी से कहा अंति बाइन, बीवी काजी के पास चली गई, काजी पूछेगा कि मुजाकरा तलाक था, बीवी ने कहा नहीं, काजी ने कहा क्या हालत गजब में खावन गुजबनाक था, उसने कहा नहीं, तो मालूम है किस हालत में कहा है, मुतलक हालत में, और मुतलक हालत में नियत पर दारोमदार है, लिहाजा काजी खावन से पूछेगा तुम्हारी क्या नियत थी, वो कहता है वल्लाह काजी साहब मेरी तलाक की नियत नहीं थी, तो फिर काजी जो है जुदाई का फैसला नहीं करेगा भाई। तो कहते हैं फफी हालत रिजा, रजामंदी की हालत में, ला यकून शय मिन्हा तलाकन इल्ला बिन नियति, कि इनमें से कोई एक चीज भी तलाक नहीं होगी मगर नियत से। वल कौलु कौलुहु फी इनकार नियति, और कौल जो है वो खावंद का मोतबर होगा नियत के इनकार में, कि उसकी नियत नहीं थी, कसम के साथ उसका कौल मोतबर होगा। लिमा कुलना, उस वजह से जो हमने कहा कि इनमें तलाक का भी एहतमाल है और गैर तलाक का भी एहतमाल है भाई। वफी हालती मुजाकरती तलाकी, अब मुजाकरा तलाक की हालत आ गई। तो कहते हैं वफी हालती मुजाकरती तलाकी, और मुजाकरा तलाक की हालत में, लम युसद्दक फी मा यसलुहु जवाबं वला यसलुहु रद्दन फिल कजाई, अब मुजाकरा तलाक चल रहा है और मुजाकरा तलाक के दौरान खावंद ने क्या कहा है, मसलन खावंद ने कहा अंति बाइन, मुजाकरा तलाक चल रहा है और खावंद ने उस दौरान क्या कहा था अंति बाइन, ये अंति बाइन ये तो रद्द का इहतमाल इसमें नहीं है, इससे तो पता चल रहा है वो औरत की बात मान रहा है, उसको तलाक दे रहा है, तो यहां उसको वापस लौटाने और रद्द करने का माना नहीं, लिहाजा इसमें काजी मुजाकरा तलाक पर ही फैसला कर देगा क्योंकि इसमें रद्द करने का इहतमाल नहीं है भाई। तो कहते हैं वफी हालती मुजाकरती तलाकी, और मुजाकरा तलाक की हालत में, लम युसद्दक फीमा यसलुहु जवाबं वला यसलुहु रद्दन फिल कजाई, कि काजी तस्दीक नहीं करेगा उन किनायों में जो जवाब होने की सलाहियत रखते हैं, वला यसलुहु रद्दन और रद्द होने की सलाहियत नहीं रखते, इनमें तस्दीक नहीं की जाएगी फिल कजाई कजा के अंदर, मिसलु कौलिही जैसे खावन का कौल है, खलियतुन व बरियतुन बाइनुन बततुन हरामुन इअतदी अमरु की बियदी की इख्तारी, खावन ने कहते अंति खलियतुन तू आजाद है भाई, इसमें तो रद्द वाला माना नहीं है, या अंति बरियतुन तू आजाद है, या अंति बाइनुन तू जुदा है, इसमें भी रद्द वाला माना तो नहीं है कि मैं तुम्हारा मुतालबा रद्द करता हूं, या अंति बत्ता तुम मुनकते है कटी हुई है, इसमें भी रद्द वाला माना नहीं, अंति हराम उन तू हराम है, इसमें भी रद्द वाला माना नहीं है, और इसी तरह इअतदी तो इद्दत गुजार ले,
यहां इसमें भी जो है रद्द वाला माना नहीं है, तो इनमें से किसी के अंदर रद्द वाला माना नहीं है। या अमरु की भी यदि की, तेरा मामला तेरे हाथ में है, इसमें भी रद्द नहीं है, इसमें तो इख्तियार दे रहा है, तो औरत ने अगर तलाक वाकई कर लिया तो वाकई हो जाएगी भाई। या इख्तारी, तू क्या कर ले, इख्तियार कर ले मुझे या अपने आप को, तो लिहाजा इसमें भी औरत अगर अपने आप को इख्तियार कर लेगी तो जुदाई आ जाएगी, तो इनमें से किसी के अंदर रद्द वाला माना नहीं है। तो इसके अंदर काजी सिर्फ मुजाकरा तलाक को दलील बनाकर जुदाई का फैसला कर देगा, इसमें खावंद के कौल का एतबार नहीं करेगा, उसकी बात नहीं मानेगा। लिअन्ना ज़ाहिरा अन्ना मुरादहु तलाक इंदा सुआल तलाकी, इसलिए क्योंकि जाहिर यही है कि खावंद की मुराद तलाक ही है, इंदा सुआल तलाकी, तलाक के मुतालबे पर। सवाल का क्या माना, मांगना, तलाक मांगने पर उस खावंद की मुराद तलाक ही है। वह युसद्दकु फीमा यसलुहु जवाबं वरद्दन, हां कुछ लफ्ज ऐसे हैं जो जवाब की भी सलाहियत रखते हैं और रद्द की भी सलाहियत रखते हैं, उनमें फिर काजी क्या करेगा, बेशक मुजाकरा तलाक हो फिर भी काजी खावंद की तस्दीक करेगा कसम के साथ, क्योंकि ये अल्फाज रद्द का भी इहतमाल रखते हैं। खावंद कहते हैं मैं तो रद्द कर रहा था इसका मुतालबा, तो कहते हैं वह युसद्दकु फीमा यसलुहु जवाबं वरद्दन, और खावंद की तस्दीक की जाएगी उन किनायात के अंदर जो जवाब और रद्द दोनों की सलाहियत रखते हैं। मिस्लु कौलिही, जैसे कि खावंद का यह कौल है, इज़हबी तू चली जा, या उखरुजी तू निकल जा, कूमी तू उठ जा, तकन्नई तू चादर ओढ़ ले, तखम्मरी तू दुपट्टा ओढ़ ले, क्योंकि इन सब के अंदर रद्द का भी इहतमाल है कि दुपट्टा ओढ़ ले चली जा मेरे से, मेरे से तलाक का मुतालबा ना कर, मुअज्जज़ औरतों की तरह दुपट्टा ओढ़ कर बैठो। तो कहते हैं वमा यजरी हादल मजरा, तो ये जो जवाब और रद्द की सलाहियत रखते हैं वो ये अल्फाज हैं, वमा यजरी हादल मजरा, और जो इसके कायम मकाम हो, जो इस जैसे अल्फाज हों, यानी जिनमें रद्द का भी इहतमाल है, जैसे उगरुबी और इस्ततीरी। उगरुबी क्या माना था, दूर हो जा, दूर हो जा, और इसी तरह इस्ततीरी तू पर्दा कर ले, तो इन सब में जवाब और रद्द दोनों की सलाहियत है, तो काजी खावंद की तस्दीक करेगा भाई। लिअन्नहु यहतमिलु रद्द, इसलिए क्योंकि ये जो हैं रद्द का भी इहतमाल रखते हैं। वह हुवल अदना, और रद्द तो अदना है, फहुमिला अलैहि, तो उसी पर महमूल किया जाएगा भाई। एक है रद्द और एक है तलाक, रद्द के अंदर किसी चीज का इस बात नहीं है, बस सिर्फ औरत के मुतालबे को खावंद रद्द कर रहा है, और तलाक के अंदर तो बाकायदा एक नई चीज यानी तलाक का इस बात आएगा भाई। तो रद्द में इस बात नहीं और तलाक में इस बात है, तो लिहाजा रद्द का दर्जा अदना हुआ और तलाक का दर्जा आला हुआ, क्योंकि उसमें बाकायदा एक नई चीज का इस बात करना पड़ेगा। तो रद्द जो है वो अदना है, वो तो खुद बखुद साबित हो जाएगा। रद्द जो है वो अदना है तो उसी पर हम महमूल करेंगे, तलाक तो आला है, उसमें तो एक नई चीज का इस बात करना पड़ता है। ये अल्फाज रद्द का भी इहतमाल रखते हैं और तलाक का भी इहतमाल रखते हैं, लेकिन रद्द के अंदर किसी नई चीज का इस बात नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ औरत का मुतालबा रद्द कर रहे हैं, किसी नई चीज का इस बात नहीं, और तलाक के अंदर तो एक नई चीज का इस बात करना पड़ेगा। तो रद्द का दर्जा हुआ अदना और तलाक का दर्जा हुआ आला, तो इसको अदना पर महमूल करेंगे जी। जब ये रद्द का इहतमाल रखते हैं तो इनको रद्द पर महमूल करेंगे। ये माना है लिअन्नहु यहतमिलु रद्द, क्योंकि ये रद्द का इहतमाल रखते हैं। वह वल अदना, और वो कम दर्जे वाला है यानी आसान है, उसमें किसी नई चीज का इस बात नहीं करना पड़ता। फहुमिला अलैहि, लिहाजा इसको इसी रद्द पर इसको महमूल किया जाएगा। वफी हालतिल गजबी, और फिर और गजब की हालत भाई, कहते हैं वफी हालतिल गजबी युसद्दकु फी जमीई ज़ालिकल इहतमाल अर्रद्द अव अस्सब्ब इल्ला फी मा यस्लुहु लित्तलाक़ वला यस्लुहु लिर्रद्द वश्शतम। हां अगर हालत गजब में इनमें से कोई किनाया खावंद इस्तेमाल करता है, तो कहते हैं अगर खावंद ने ऐसा किनाया इस्तेमाल किया जो रद्द का इहतमाल रखता है या गाली का इहतमाल रखता है, तो फिर खावंद की बात कबूल की जाएगी। तवज्जो है, गजब की हालत में अगर खावंद ने ऐसा किनाया इस्तेमाल किया है जो तलाक का भी इहतमाल रखता है लेकिन साथ साथ उसमें रद्द या गाली वाला माना भी है, डांटने वाला माना भी है,
तो फिर इस सूरत में भी काजी तस्दीक करेगा, इसलिए क्योंकि यह लफ्ज गुस्से की हालत में खावंद ने कहा है, मसलन खावंद ने उसे कहा है इज़हबी, यानी चली जा यहां से, तो इसके अंदर रद वाला या गाली वाला भी एहतमाल है, खावंद उसको डांट रहा है कि यहां से उठकर चली जाओ, तो बुरा भला कहने वाला माना भी है और रद वाला भी है, तो फिर इसमें काजी खावंद की तस्दीक करेगा अगर कसम के साथ। और अगर गुस्से की हालत में खावंद ने एक लफ्ज कहा है और उसमें रद और गाली वाला एहतमाल नहीं, तो फिर मालूम खावन तलाक ही दे रहा है, तो काजी फिर खावन के कौल का एतबार नहीं करेगा। तो कहते हैं वफी हालत गजब, और गजब की हालत में युसदुफी जमी जालिका, इन तमाम किनायों के अंदर खावन की तस्दीक की जाएगी, लहतमाल रद अविसबी, रद या गाली देने के एहतमाल की वजह से, सब यानी बुरा भला कहना, रद या बुरा भला कहने के इस्तेमाल की वजह से, इल्ला फीमा यस्लुहुल तलाकी वला यस्लुहुल रद्दी वशर्तनी, मगर उन अल्फाज के अंदर जो तलाक की सलाहियत तो रखते हैं लेकिन रद या गाली की सलाहियत नहीं रखते, कौलिही इअतदी वख्तारी व अमरु की बियदी की, ये तीन अल्फाज जो हैं ये रद या गाली का इस्तेमाल नहीं रखते, इअतदी इसमें तो कोई रद वाला माना नहीं ना कोई गाली वाला माना है, इसी तरह वख्तारी तो इख्तियार कर ले, इख्तियार दे रहा है, इसमें भी गाली वाला या रद वाला माना नहीं, या अमरु की भी यदि की, इसमें भी रद या गाली वाला माना नहीं, तो इन सूरतों के अंदर खावंद की तस्दीक नहीं की जाएगी। हालत गजब में उसने ये अल्फाज कहे हैं तो काजी इनके जरिए जुदाई का फैसला करेगा, यानी दो में तो इख्तियार दे रहा है खावंद, अगर औरत ने अपने ऊपर तलाक वाकई कर ली है, फैन नहुला युसद्दुफीहा, इस इनके अंदर काजी उस खावंद की तस्दीक नहीं करेगा, लि अन्नल गज़ब यदुल्लु अला इरादति तलाकी, इसलिए क्योंकि खावंद का गजब जो है वो दलालत कर रहा है इरादा तलाक पर, वान अबी यूसुफ रहमतुल्लाह, और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह से रिवायत है, फी कौलिही, खावंद के इस कौल के अंदर, ला मिल्का ली अलैकी, खावंद बीवी से कहता है ला मिल्का ली अलैकी, मेरी तेरे ऊपर कोई मिल्कियत नहीं है, मेरी तेरे ऊपर कोई मिल्कियत नहीं है। अब इसमें देखो तलाक वाला माना भी है कि मैं तुझे तलाक दे चुका हूं इसलिए मेरी तेरे ऊपर कोई मिल्कियत नहीं है, और नीस इसके अंदर बुरा भला कहने वाला माना भी है, मेरे तेरे ऊपर कोई मिल्कियत नहीं है, यानी तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हारे ऊपर मेरी मिल्कियत हो। तो देखो ये तो गाली और बुरा भला कहने वाला लफ्ज भी हो सकता है और तलाक का माना भी यहां हो सकता है, लिहाजा इसमें भी काजी खावंद की तस्दीक करेगा। इसी तरह वला सबील अली अलैकी, वला सबील अली अलैकी, मेरा तुझ पर कोई रास्ता नहीं है, यानी कोई इख्तियार नहीं है, यह भी इसी तरह है, मेरा तुझ पर कोई इख्तियार नहीं है, मैं तुझे तलाक दे चुका हूं, मैंने तुम्हें तलाक दे दी है, जुदा कर दिया है, मेरा तुम्हारे ऊपर कोई इख्तियार नहीं, या यह माना भी हो सकता है कि तुम इतनी बद अखलाक और इतनी बदजुबान हो कि मेरा तुम्हारे ऊपर कोई इख्तियार नहीं, मैं तुम्हें काबू में नहीं कर सकता, तुम्हारी ऐसी बुरी आदतें और बुरी जुबान है भाई, या वह खल्लई तु सबील की, मैंने तेरा रास्ता खाली कर दिया, या तो माना यह है कि मैंने तुझे तलाक दे दी, अपने से जुदा कर दिया, तेरा रास्ता मैंने खाली कर दिया, या इसका माना यह है कि मैंने तुम्हारी बुरी आदतों की वजह से तुम्हारा रास्ता खाली कर दिया है, अब तुम्हारे साथ मैं किसी मसले में बहस नहीं करता, तो गैर तलाक का माना भी यहां है, या इसी तरह फारक तू की, मैंने तुझसे जुदाई इख्तियार कर ली है, यानी तलाक दे दी है, या गैर तलाक का माना भी हो सकता है फारक तू की, मैंने तुझसे जुदाई इख्तियार कर ली है, यानी मैं तुझसे अब दूर ही रहता हूं, तेरी ऐसी बुरी आदतें और ऐसी बुरी जुबान है भाई, बात समझ में आ गई। तो इनमें तलाक का भी इरादा हो सकता है और गाली का भी इरादा हो सकता है, लिहाजा हालत गजब में अगर खावंद ये अल्फाज इस्तेमाल करता है और कहता है कि मैंने तो गाली की नीयत की थी, मैंने तलाक की नीयत नहीं की थी, तो काजी उसकी तस्दीक करेगा भाई, बात समझ में आ गई। तो देखो ये जो अल्फाज हैं, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं बाकी अल्फाज के साथ ये जो अल्फाज हैं इनके अंदर भी काजी खावंद की तस्दीक करेगा, अगरचे हालत गजब में कहे, क्योंकि ये जो अल्फाज हैं इनमें तलाक का भी एहतमाल और साथ डांटने का और बुरा भला कहने का भी एहतमाल है भाई।
तो कहते हैं वान अबी यूसुफ रहमतुल्लाह फी कौलिही, और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह से रिवायत है खावन के इस कौल के बारे में, ला मिल्का ली अलैकी, मेरी तेरे ऊपर कोई मिल्कियत नहीं है, वला सबील अली अलैकी, मेरा तुझ पर कोई रास्ता नहीं है यानी कोई इख्तियार नहीं है, वखल्लैतु सबीलकी, मैंने तेरा रास्ता खाली कर दिया, वफारक्तुकी, मैंने तुझसे जुदाई इख्तियार कर ली। ये जो अल्फाज हैं अन्नहु युसद्दकु फी हालतिल गज़बी, के खावन की तस्दीक की जाएगी गजब की हालत में भी, लिमा फीहा मिन इहतिमाल मानस सब भी, इसलिए क्योंकि इनके अंदर गाली के माना का भी इहतिमाल है, यानी डांटने और बुरा भला कहने के माना का भी इनमें इहतिमाल है, लिहाजा जब खावन कह रहा है तो अब उसके कौल का एतबार किया जाएगा कसम के साथ। बात समझ में आ गई, हल हो गया। चलिए बस बेहादा हुआ अल मराम, अल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।